एकेडमिक हेड श्यामवीर सिंह झजोरिया से कहूँगा कि वो बुके प्रेजेंट करके सम्मानित करें टीम दृष्टि की तरफ से देवेंद्र तो औपचारिक तौर पर शुरुआत करें सबसे पहले टीम दृष्टि की तरफ से बहुत बहुत स्वागत आपका देवेंद्र और बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी में जुड़े हुए परीक्षार्थी हैं विद्यार्थी हैं वो देवेंद्र प्रकाश मीणा को लगभग जानते होंगे ये इनकी तीसरी सफलता है पहले डायनेक्स में सफल हुए 2018 में 2019 में की परीक्षा में आईपीएस बने और अब प्रॉपर आईएएस बन गए एक और बात आईआईटी गुवाहाटी से पास आउट हैं और बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट के तौर पर इनका पूरा रिकॉर्ड रहा है मैं चाहूँगा आप खुद अपनी पूरी जर्नी के बारे में एक बार स्टूडेंट से डायरेक्ट बताएं मेरा नाम सर ने बताई दिया है देवेंद्र मीणा सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं आईआईटी गुवाहाटी 2016 से पास आउट हूँ और तब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं यू की तैयारी करूँगा फिर मैंने सोचा कि जब मेरे सारे सीनियर्स हैं जो अगर यू की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी आगे पीछे तैयारी करनी है तो क्यों ना मैं अभी से तैयारी शुरू कर दूँ तो मैंने जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुआ और मैंने तैयारी शुरू की तब मुझे केवल दो चीज़ें पता थी कि अट्ठारह में हमारे देश में क्रांति हुई है और उन्नीस में देश आज़ाद हुआ था इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था और फिर मैंने तैयारी शुरू की और दस महीने बाद मैंने दो का अटैम्प्ट दिया तो दस महीने के टाइम में मेरे एक मार्क्स आए थे उस टाइम मैंने जब प्री क्वालिफाई किया तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार ये एग्जाम उतना टफ़ नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं तो उसके बाद फिर लगातार सफलता मिलती गई और फिर सेलेक्शन होता रहा तो फिर इस तरह मेरी जर्नी शुरू रही एक जो खास बात है कि पिताजी इनके सरकारी टीचर रहे हैं सामान्य परिवार से साधारण परिवार से निकले असाधारण व्यक्ति ठीक है ज्योग्राफी इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था 2017 में मेरे ख्याल से जी इन्होंने इसे स्विच किया हिंदी साहित्य लिया ये पूरा वाक्य क्या है और हिंदी साहित्य आपने ऑप्ट किया तो उसके पीछे के वजहें क्या थीं परिणाम क्या रहा जोग्राफी मेरा ऑप्शनल था सत्रह में और मैंने ये बिना किसी सोचे समझे मेरे जो गाइड सीनियर थे उनके गाइडेंस पे ले लिया था बाद में जब तैयारी करने शुरू किया तो पता चला कि ऑप्शनल का एक बहुत बड़ा रोल रहता है तो सत्रह के अटैम्प्ट में मेरे ओनली दो मार्क्स आए थे नब्बे फर्स्ट पेपर में थे और एक सौ पेपर में तो मेरे जो मेन्स क्वालिफाई नहीं हुआ था सत्रह में तो उसका एक बड़ा रीजन था जोग्राफी तो मैंने अपनी जो कमी थी उसको सुधारा और हिंदी साहित्य लिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था सब्जेक्ट में और अच्छा स्कोरिंग भी था सब्जेक्ट और फिर अट्ठारह में मेरे दो मार्क्स थे तो सीधा जो नाइन्टी मार्क्स का जो गैप था और उसी से मेरा सलेक्शन हुआ था एक बार सिलेक्शन होने के बाद में फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर अपने आप इम्प्रूव होता गया तो जो जोग्राफी ऑप्शनल जो, जो मेरी कमी थी मैंने अपनी कमी को सुधारा और हिंदी साहित्य लिया तो यूपीएससी मेरे हिसाब से ओवरऑल अपनी कमियों को सुधारते रहना ही एक ये सक्सेस का की है यूपीएससी में ये करते रहना चाहिए हमको दो सौ इकहत्तर नंबर इस बार के पेपर में हिंदी साहित्य में हैं इनके जो कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट के जो कैटेगरी है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की उसमें हैं हिंदी साहित्य में दो सौ चौहत्तर मेरे ख्याल से इस बार हाइएस्ट था इनका दो मार्क्स चलिए अब एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ खास करके जो दृष्टि के स्टूडेंट्स हैं कि आपका एसोसिएशन दृष्टि से कैसा रहा कैसे पहुँचे और क्या क्या चीज़ें आपने दृष्टि के साथ एसोसिएट होके की जैसा कि यार मैंने बताया कि मेरा 2016 तक कोई भी प्लान नहीं था यूपीएससी करने का तो मेरे सीनियर थे आई आई गुवाहाटी के सुभाष चंद्र मीणा जिनका इस बार सलेक्शन हुआ है तो उन्होंने मुझे बताया कि वो दृष्टि में कोचिंग कर रहे हैं और दृष्टि अच्छा संस्थान है तो मैंने दृष्टि में फाउंडेशन एट जो दिल्ली में था उसका मैं स्टूडेंट रहा हूँ और दृष्टि में मैंने कोचिंग की जी, 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 जी की पूरी और ऑप्शनली मैंने विकास सर की जो हिंदी साहित्य है वहीं से किया था और इंटरव्यू के लिए भी मैं दृष्टि से जुड़ा रहा हूँ तो इस तरह मेरे प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों फेज में दृष्टि का काफ़ी अहम योगदान रहा है आपने मॉक इंटरव्यू देखा होगा शायद देवेंद जी का देख लिया था फिर तो कुछ बताने की जरूरत नहीं चलिए आप कुछ सवाल ले लेते हैं इस बार मैं क्रम बदल रहा हूँ जनरली हमारा क्रम थोड़ा उल्टा रहता है इस बार हम थोड़ा रिवर्स गियर में चलेंगे सबसे पहले बात सी सेट की करेंगे बहुत सारे सवाल क्योंकि आज सी सेट से आए हैं तो पहला जो वेटेज देना चाहिए वो सी सेट को देना चाहिए सवाल ये है कि सी सेट की तैयारी को अब बदलते हुए पैटर्न में जो ट्रेंड बदल रहा है उसमें किस तरीके से किन चीज़ों पर ध्यान दें कई लोग ऐसे हैं जिनका जी में तो सलेक्शन हो रहा है लेकिन सी सेट में रुक रहे हैं पिछले दो या तीन साल का पेपर देखोगे सी सेट का तो इतना टफ आ रहा है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो भी उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मैं मेरा पर्सनली बताता हूँ कि मैंने कभी सी सेट की तैयारी नहीं की है क्योंकि टेंथ लेवल की मैथ आती है और जो कॉम्प्रीनशन है जो वहीं पढ़ के आंसर्स देने होते हैं बट आप लोगों को सलाह दूंगा क्योंकि मेरा लगातार स्कोर कम होता रहा था मेरे एक फिर एक आथ, फिर इस बार एट्टी तो लगातार जैसे पेपर टफ़ आ रहा है तो स्कोर कम हो रहा है तो आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि सी सेट को इग्नोर ना करें मेरे कई सारे दोस्त हैं कम से कम इस बार चार पांच दोस्त हैं जो सेलेक्टेड होने के बाद सी सेट में रह गए हैं तो सी सेट को अब अचानक से होता क्या है कि जैसे हम मार्च अप्रैल के आसपास जब हमारा प्री आता है तो हम सी सेट को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होते हैं और फिर जी का रिविजन भी नहीं कर पाते तो अचानक से वर्क प्रेशर आता है तो सी सेट कहीं ना कहीं छूटता जाता है तो मेरी सलाह रहेगी कि सी सेट को लगातार अभी से जैसे एक घंटा आधा घंटा डेली ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और लगातार वो चीज़ें मैथ की जो चीज़ें हैं फॉर्मूला वे चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी तो अभी से आधा आधा घंटा दे, देते रहना चाहिए उसको और सी सेट को लेके एक मेरी सलाह ये रहेगी कि जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पार्ट को थोड़ा सा बाद में करें मैथ और रीजनिंग को पहले कर ले और कॉम्प्रियेंशन में दो तरह के कॉम्प्रियेंशन होते हैं एक में वो कंक्लूजन पूछते हैं निष्कर्ष वाला और एक में प्री एजम्पन वाला पूछते हैं वो पूर्व धारणा तो पूर्व धारणा में थोड़ा गलत होने के चांसेज रहते हैं तो पहले निष्कर्ष को करें उसके बाद पूर्व धारणा पे जाएं तो इस तरह इस पैटर्न पे करेंगे तो आपका लगभग क्वालिफाई होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और प्रैक्टिस लगातार करते रहना सी सेट की कॉम्प्रीहशन वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है और कॉम्प्रहेंशन वाले पोर्शन की वजह से ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए भी कोई ख़ास रणनीति होती है या फिर रीडिंग प्रैक्टिस या फिर किस तरह से उसको प्रैक्टिस किया जाना चाहिए यार कोप्रिहेंशन का अपने हिंदी माध्यम के लोगों के लिए समस्या आती है कि उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो काफ़ी ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते जैसे कभी कभी वो बिग डाटा जो नॉर्मल टर्म है उसको बड़े आंकड़े लिख देते हैं या फिर माइट्रोकोंडिया उसको सूत्रकानी का लिख देते हैं तो समझने में दिक्कत आती है तो जहाँ भी आपको थोड़ा भी लगे तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेना या फिर जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपका वोकबुलर बढ़ेगा तो दोनों चीज़ें हैं कि एक तो थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी थोड़ा झुकाव होना चाहिए क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश क्वालिफाई भी करना है मेंस में तो इंग्लिश थोड़ा सा होना चाहिए बाकी वो कबलेदी होनी चाहिए अच्छी वो कबलेदि अच्छी होगी तो हम पैराग्राफ को समझ पाएंगे और फिर मैंने जो बताया पहले क्वेश्चन पढ़ लो पैराग्राफ का क्वेश्चन में अगर निष्कर्ष है तो उसको पूरा पढ़ के उसको पहले कर लो बाद में जो पूर्व धारणा है उसको थोड़ा बाद में कर सकते हैं क्योंकि अगर जितना नेगेटिव करेंगे हमारा स्कोर फिर माइनस में जाने के चांसेस रहेंगे तो मेरे हिसाब से यही है कि पहले निष्कर्ष उसके बाद में पूर्व धारणा बाकी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं मैंने इस बार क्वेश्चन इस तरीके से रखे हैं कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने सबसे ऊपर रखा है जैसे सी सेट के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और उसके बाद हिंदी साहित्य के बारे में ऑप्शनल के बारे में पहला तो जो सवाल है जो बहुत लोगों का सवाल है कि ऑप्शनल सिलेक्शन को लेकर कि चूज़ क्या करें किस सब्जेक्ट को करें इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है आपको भी हुआ होगा जाहिर तौर पर तो आप उस एक्सपीरियंस को जरूर डिस्कस कीजिए कि जो लोग अभी ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो किन आधारों पर ऑप्शनल का चुनाव करें किन किन बातों का ख्याल रखें यार जैसा कि मैंने बताई दिया कि मेरे जो पहला अटैम्प्ट था उसमें सिलेक्शन नहीं होने का कारण मेरा ऑप्शनल था और मैंने वो ऑप्शनल अपने सीनियर की सलाह पे बिना सोचे समझे ले लिया था तो आजकल मैं जब लोगों को गाइड करता हूँ तो सबसे पहला मेरा ये रहता है कि आप लोग जीएस पढ़ो पाँच छः महीने जी पढ़ोगे तो आपको जो अपनी स्ट्रेंथ है वीकनेस है समझ में आ जाएगी और मेरा हिंदी साहित्य लेने का रीज़न ये था कि एक तो मेरा ट्वेल्थ तक का मीडियम पूरा हिंदी था और तो हिंदी में जो बचपन में पढ़ते हैं पूरा तो उसमें कम्फर्टेबलनेस रहती है दूसरा हिंदी साहित्य बाकी जो पेपर हैं जैसे हिस्ट्री हो गया या जोग्राफ़ी है उसके तुलना में काफ़ी छोटा सिलेबस है पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि टेक्स्ट ज़्यादा है गोदान और इस तरह के जो उपन्यास हैं वो पढ़ने पड़ते हैं बट एक बार पढ़ने के बाद उसकी स्टोरी याद रहती है तो दोबारा रिवीजन में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी और तीसरा स्कोरिंग हिंदी साहित्य बाकी दोनों पेपर से उसकी तुलना में स्कोरिंग अच्छा है तो तीन आधार हैं आपका इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो दोबारा पढ़ना पड़ सकता है दूसरे तो में नहीं हुआ वा, तीसरी बार पढ़ना पड़ सकता है तो जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप उस ऑप्शन को कंटिन्यू रख ही नहीं सकते जैसे मैंने जोग्राफ़ी लिया मैंने एक बार में छोड़ दिया क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो पहली चीज़ है आपकी इंटरेस्ट होना चाहिए दूसरा सब्जेक्ट छोटा रहेगा तो आप लोग डिवीज़न में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी तो दूसरा तो छोटा होना चाहिए और तीसरा आपका स्कोरिंग तो अभी अगर हिंदी माध्यम मा अगर देखोगे इस बार अगर 25 भी सलेक्शन मानेंगे तो पच्चीस में से पंद्रह हिंदी साहित्य वाले हैं तो जहाँ ज़्यादा सलेक्शन हो रहे हैं तो हम उसी ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए तो तीन आधार हैं मेरे हिसाब से ऑप्शनल चयन करने के ऑप्शनल में एक सवाल जो बीटेक बैकग्राउंड के लोग हैं क्योंकि आप खुद बीटेक रहे हैं तो उनका है कि जिनका बैकग्राउंड बीटेक है और अभी उन्होंने ऑप्शनल सेलेक्ट नहीं किया है तो क्या क्या समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती हैं हिंदी साहित्य जैसे विषय में वो लेना चाहते हैं लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं यार बीटेक बैकग्राउंड के लिए सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि उन, उनका थोड़ा रटने वाली जो पावर होती है वो कम होती है क्योंकि हम रट नहीं पाते कन्सेप्ट को कंसेप्ट है तो हम समझ के उसको इजीली कर सकते हैं लेकिन इसी जो मैं बता रहा हूँ जो कंसेप्ट वाली है यही सोच के कि साइंस बैकग्राउंड है जियोग्राफी अच्छा सब्जेक्ट रहेगा रटने के लिए नहीं है तो मैंने ले लिया था लेकिन इंटरेस्ट नहीं था बाद में मार्क्स नहीं आए तो मेरे हिसाब से जो बी वाले हैं उनको भी हिंदी साहित्य में कोई परेशानी नहीं आएगी मैंने दो के मेन्थ के बाद में नवंबर में मेरा में 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 मेंस था मैंने दिसंबर में ऑप्शनल चेंज किया था और मार्च तक मैंने ऑप्शनल पढ़ा उसके बाद वापस फिर लिम्स दिया तो मुश्किल से तीन महीने मैंने ऑप्शनल पढ़ा था और उसी में मेरे 298 मार्क्स थे तो मेरे हिसाब से उतना टाइम नहीं लगता हिंदी साहित्य में और बाकी बाकी ऑप्शनल भी हैं जैसे यार हिस्ट्री है वो भी अच्छा ऑप्शनल है या पॉलिटिकल साइंस है वो भी अच्छा है बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि जो छोटा ऑप्शनल हो जिसमें अच्छे मार्क हो उसका चयन करना चाहिए और बी वाले बिल्कुल नहीं घबराए मैं खुद बी टेक का हूँ मैंने हिंदी साहित्य पढ़ा है और अच्छे मार्क्स आए मेरे तो ऐसे कोई इश्यू नहीं है हिंदी साहित्य भी लॉजिकल सब्जेक्ट है आप उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जैसे दोहा है या कविताएं हैं है या आपको रटनी पड़ेंगी इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है बट इसके अलावा बाकी चीज़ें हैं वो आप आराम से इजीली कर सकते हैं पूरा कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है कोई भी ज़्यादा चीज़ें रटने की नहीं है रटने का भी कोई तरीका है क्या दोहा वगैरह और उदाहरण कैसे आप याद करते हो यार मेरा ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ तो मैं सुबह जल्दी उठ के एक घंटा डेली रिवाइज करता था दोहों को तो वो अचानक जैसे हम कबीर के अमृतवाणी सुनते हैं वैसे मैं दोहे रटता था तो वो हो जाते हैं याद ऐसा नहीं है एक सवाल बहुत पूछा गया है कि हिंदी साहित्य को लेकर कि जो मटेरियल दृष्टि से मिला है या विकास सर की जो क्लासेस हैं उन उसके अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत है या आपने जब तैयारी की तो ठीक था वो उतना पर्याप्त है आपका अनुभव क्या है यार विकास सर का मटेरियल मोर देन अनफ है उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है मैंने अपनी जो तीनों अटैम्प्ट है उसमें दो सौ अट्ठानवे दो सौ बासठ और दो सौ इकहत्तर अभी दो साल से मार्किंग कम कर रहे हैं तो दोनों दोनों बात मार्क्स अच्छे हैं लेकिन मार्किंग की वजह से आपको कम दिखेंगे तीनों बार मैंने विकास सर का मटेरियल पढ़ा है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है तो मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है और जो आप एक्स्ट्रा चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि जो क्लासेज में आपको डेली आंसर्स मिलते होंगे वो मैंने सारे आंसर लिख के जमा कराए थे हमारे टाइम पे ये रूल था कि दो ही आंसर एक जना दे सकता था तो मैं दूसरे के नाम से भी लिख के जमा कराता था तो जितने आंसर आप लिख सकते हैं उतने आंसर आप लिखा कर और टेस्ट सीरीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना और उसमें जो रिव्यूज़ मिलते हैं वो रिव्यूज़ को फॉलो करना आपके मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे चलिए कुछ और बीच बीच में अलग तरह के सवाल लेंगे जैसे एक सवाल है कि सिविल सेवा की तैयारी में लोग कहते हैं पढ़ने से ज़्यादा यह महत्वपूर्ण है कि क्या छोड़ें इसके बारे में कुछ बताइए इसे डिसाइड कैसे किया जाता है जब मैं तैयारी शुरू कर रहा था तो मुझे भी यही लगता था कि यार इतनी सारी बुक्स पढ़नी होती हैं बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है बट मेरे हिसाब से जितना कम पढ़ोगे लेकिन उसको बार बार रिवाइज मतलब ऐसा हो कि कंटेंट आपका कम ना हो लिमिटेड हो और बार बार रिवाइज अब जैसे मैं हिस्ट्री का बता दूँ कि कई सारे मेरे दोस्त हैं वो स्पेक्ट्रम या दृष्टि के जो नोट्स हैं वो पढ़ते हैं उसके अलावा फिर वो मेरे से पूछते हैं कि यार मैं विपिन चंद्रा पढ़ लूँ क्या तो मैं बोलता हूँ कि उसी बुक को वापस पढ़ ले वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा चीज़ें ज़्यादा रिवाइज होंगी तो इस चीज़ में दृष्टि के एक टीचर थे उन्होंने बोला भी था कि दस किताब को एक बार पढ़ने से बेटर है एक किताब को दस बार पढ़ो वो चीज़ें ज़्यादा काम आती हैं तो जितना लिमिटेड रहोगे आप कोचिंग कर रहे हो आप लोग तो मेरा कहना यही रहेगा कि पहले कोचिंग पे टिके रहो कोचिंग में जो भी पढ़ा रहे हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए उसके बाद आप थोड़ा सा जो टेक्स्ट बुक हैं जैसे लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम है रमेश सिंह है उन पे जा सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपका कोचिंग वाला मटेरियल है वो पूरा होना चाहिए उसी के बाद आगे बढ़ने की सोचना और चीज़ें जो सर ने पूछा है क्वेश्चन की जितना छोड़ना ज़्यादा चीज़ें छोड़नी होती हैं तो यार एक बार आप पिछले साल के पेपर्स देखो पूरा पेपर जैसे इकोनॉमी की बात करेंगे तो पूरा करंट अफेयर का रहता है तो उसमें कन्वेंशनल चीज़ें एक बार पढ़ लो कंसेप्ट क्लियर हो गए उसके बाद दोबारा पढ़ने की क्या ज़रूरत है उनको सेम ऐसे हिस्ट्री का देखोगे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस अट्ठारह की क्रांति के बाद के हैं तो उससे पहले का पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता अगर एक क्वेश्चन हम आ भी गए वहाँ से तो उसके लिए उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो पेपर का आप एनालाइज़ करोगे तो उससे आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एक हमारे स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर पेपर वाइज बता दें पेपर वन और पेपर टू ऑप्शनल की तैयारी को लेकर कुछ पॉइंट्स बता दें तो ज़्यादा सहूलियत होगी इनका हिंदी साहित्य ही ऑप्शनल है तो वो चाहते हैं कि थोड़ा पेपर वाइज डिस्कशन करें यार हिंदी साहित्य के पेपर वन में आप लोगों को पता है कि जो खंड क्या है उसमें भाषा खंड आता है पूरा उसमें लॉजिक नहीं लगता है पूरा रटने की चीज़ें कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से किस तरह से हुआ है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं और प्राकृत के टाइम पे क्या आए अभ्रंश में क्या आए हैं अवहट में जितने भी परिवर्तन से हिंदी गुजरी है तो सारे परिवर्तनों का जो इतिहास है वही भाषा खंड में पढ़ना होता है इसके अलावा जो हमारी राजभाषा है हिंदी तो राजभाषा हिंदी में जो जो तकनीकी शब्दावली का विकास है जितनी भी टेक्नोलॉजी का विकास है वो सब चीज़ें उसमें है व्याकरण का विकास हुआ है तो खंड के लगभग जो विकास सर के नोट्स हैं वो एक पेज के नोट्स हैं जो मैंने पढ़ा था और उसमें से मैं डेढ़ क्वेश्चन डेढ़ मार्क्स का अटैम्प्ट करता हूँ तो पे पेपर वन में भाषा खंड को आप अगर अच्छा पकड़ कर लोगे तो आपके तीन क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे और दूसरा फिर जो हिंदी साहित्य का विकास है जिसमें आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल आता है वहाँ से आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करो एक तो कंपलसरी होता ही है तो उस पोर्शन पे आप अगर कम फोकस करोगे और तो भाषाखंड को अच्छे से कर लोगे तो पेपर वन में आपके 150 मार्क्स इजीली आ जाएंगे अगर उन्होंने मार्किंग जो 18 में की थी वैसी की उसके अलावा नहीं तो मेरे इस बार 138 मार्क्स हैं जो कि टॉप टॉप 139 थर्टी है तो उसके बराबर है तो विकास सर के नोट्स पढ़ लो उससे पेपर वन ईजिली हो जाएगा दूसरा पेपर टू में, में मेरा ये रहता था कि जैसे व्याख्या हमको करनी होती है पाद्य वाली तो अगर पद्य की व्याख्याएं हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो क्वेश्चन वहाँ से अगर हम ज़्यादा अटैम्प्ट करेंगे क्योंकि उसका पद्य वाली व्याख्या का अर्थ हमको पढ़ना ही है तो वहाँ से अगर क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे तो वो ज़्यादा ईजी रहेगा तो और गद्य में ज़्यादा कंटेंट है क्योंकि निबंध भी वहाँ से करना होता है आलोचना भी वहाँ से करनी होती है तो कंटेंट ज़्यादा है वहाँ पर कहानियाँ भी हैं इतनी सारी कहानियाँ तो उधर से अगर आप कम रखोगे पद्य को ज़्यादा वेटेज देगो तो इजीली वहाँ से पेपर टू हो जाएगा आपका तो मेरा भाषाखंड और पद्य वहाँ से मैं तीन करता था बाकी जो पोर्शन भी है उससे मैं दो दो क्वेश्चन करता था अब एक स्ट्रेटजिकल सवाल कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर ध्यान देना चाहिए या फिर उसे साइड करके जो मजबूत है उसे और मजबूत कर लेना चाहिए मैं तो जो मजबूत है उसी को मजबूत करने के पक्ष में रहूंगा जैसे मेरा प्रीलिम्स में एक क्योंकि मैंने पेपर एनालाइज किए थे और उसमें यह था कि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका पेपर हमारे साथ ही होता है और उसके लगभग बीस बाईस क्वेश्चन हमेशा रहते हैं तो मैंने एनवायरमेंट को इतना मजबूत कर लिया कि मुझे बाकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या बाकी अदर ऑप्शन क्वेश्चन है उस पर कम वेटेज या कम फोकस करूंगा तब भी मेरे बीस क्वेश्चन उधर से तैयार हो रहे हैं तो मैं उसको बार बार पढ़ता हूँ एनवायरमेंट को तो जो आपका इस्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप ज़्यादा मजबूत करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे ठीक है ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए एक सवाल है कि क्या इसे अभी कर लेना चाहिए या पीटी देने के बाद मतलब जिसका एग्ज़ाम अगले साल है वो क्या पहले से सेलेक्ट कर ले अपने ऑप्शनल को और अभी तैयार कर ले या फिर अगले पीटी के बाद उसको इतना वक्त रहेगा कि वो ऑप्शनल उस समय सेलेक्ट करे और उस समय तैयार कर ले यार आजकल तो ऐसा होता है कि आप प्रिलिम से पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है तो उसमें ऑप्शनल का चयन करना ही पड़ता है तो मेरे हिसाब से ऑप्शनल का चयन अगर पहले ही कर लिया तो उसको तैयार करने में कोई बुराई नहीं है बाद में आपको तीन महीने मिलेंगे तो जी और जी भी करना होता है ऐसे भी करना होता है थोड़ी इंग्लिश भी पढ़नी होती है क्वालिफाइंग के लिए इतनी सारी चीज़ें एक साथ कवर नहीं हो पाएंगी तो ऑप्शनल को पहले तैयार करो उसके बाद में प्रीलिम्स दो और फिर ऑप्शनल को बाद में जो तीन महीने मिलते हैं उसमें रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग करो मेरी ये रणनीति रहती है चलिए बीच बीच में कुछ ऐसे सवाल ले रहे हैं जो पी टी मेंस और इंटरव्यू के दायरे से बाहर हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक किस्म के सवाल हैं सभी ये कहते हैं कि तर्क होने चाहिए स्वाभाविक भी है कि तर्क होंगे तो हमारा उत्तर अच्छा लगेगा पर कोई ये नहीं बताता कि ऐसे तर्कों का विकास अपने अंदर कैसे करना चाहिए ये अमूर्त जो एब्स्ट्रैक्ट निबंध के टॉपिक्स आते हैं वैसा है अगर आप जवाब देना चाहें तो इसका जवाब दीजिए अपने अंदर मौलिकता को धीरे धीरे कैसे ले आए मेंस में आंसर राइटिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमको हमारे जो सामने वाला है क्योंकि पेपर पूरे दस हज़ार लोगों की कॉपी में आपकी अलग रहेगी तभी आपके मार्क्स आएंगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस से करनी पड़ती हैं जैसे मैं खुद भी ये करता था हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं मे, मेरा ये रहता था कि इसमें मुझे मैप बनाना है चाहे बने या नहीं बने एग्जाम्पल देता हूँ इस बार क्वेश्चन आया था कि पाल वंश का बौद्ध धर्म के विकास में क्या योगदान था यहाँ पे मैप का उतना ज़रूरी नहीं है बट मैंने मैप बना के ये दिखाया कि पाल वंश का कहाँ कहाँ राज्य था सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि मध्य सत्तरवीं शताब्दी में जो भारत सत था वो कई राज्यों में विभाजित था तो मैंने उस क्वेश्चन में मराठे अलग दिखा दिए निजाम दिखा दिया कहाँ पे ये अवध था कहाँ पे बंगाल का शासन था तो मैप बना के ये दिखाओगे तो आप थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा आंसर तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस से आएगा जो भी आप तर्क की बात कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिस से आएगी आपकी इसमें एक सवाल और बनता है सभी टॉपर्स कहते हैं कि मैप डायग्राम बनाइए बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि बनाना कहाँ पर है कहाँ कहाँ उसका सही इस्तेमाल होता है और मुझसे भी कई लोगों ने पूछा है या आप लोगों से भी पूछते होंगे तो क्या आप इसे एक बार अगर आप चाहें तो ठीक से इस पैनल पर समझा पाएँ अगर कि मैप का इस्तेमाल किस तरह के क्वेश्चंस में करना चाहिए किस तरह से करना चाहिए डायग्राम बनाने की गुंजाइश कहाँ होती है आंसर राइटिंग वाले अगर पूरे पक्ष को आप ब्रीफ करना चाहें तो मैं इस पर अगर पैनल पर करना चाहें तो ठीक है मैं मेरी जो स्ट्रेटर्जी थी मैंने आंसर राइटिंग की वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से डाटा फ्लो फ्लोचार्ट का यूज़ करना है ठीक रहेगा ना ये क्योंकि सारे लोग ये पूछते हैं कि मैप डायग्राम कहाँ बनाएं कैसे बनाएं ठीक है तो इसको एक बार डील करते हैं मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से हट जाता हूँ थोड़ा सा इस पैनल पर बोर्ड को ले आइए पूरा जो मेंस का आंसर राइटिंग है वो अपने जो अपोनेट है या कॉम्पिटेटर है उससे आधे मार्क्स का खेल है ये क्वेश्चन में आधे मार्क्स बढ़ाना है तो पूरे पेपर में दस मार्क्स बढ़ेंगे और पूरे जीएस में चालीस मार्क्स बढ़ जाएंगे तो इसी पे फोकस करना है तो मैं डाटा डायग्राम इन चीजों का यूज करता था एक चीज रहती है कि सब लोग पूछते हैं कि फ्लो चार्ट का यूज कैसे करना चाहिए तो मैंने कुछ कुछ जो मेरी तैयारी के दौरान जो फ्लो चार्ट बनाए थे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ अब क्वेश्चन आता है कि प्रशासन में आर का उपयोग करने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं तो हम अगर पैराग्राफ में लिखेंगे पॉइंट्स में लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा तो मैंने इसको ऐसे दिखाया था पारदर्शिता पार आएगी पारदर्शिता से सूचना का जो अंतराल होता है उसमें कमी आ जाएगी सूचना अंतराल में कमी आने से भ्रष्टाचार में कमी होगी और नागरिक सहभागिता में वृद्धि होगी भ्रष्टाचार में कमी होने से क्या होगा उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी गुणवत्ता में वृद्धि होगी और नागरिक सहभागिता में वृद्धि से नागरिक सशक्तिकरण होगा इन तीनों को मिला सुशासन में वृद्धि हो जाएगी तो इस तरह से फ्लोचार्ट का यूज कर सकते हैं तो काफी कम टाइम में आप काफी ज्यादा कवर कर सकते हैं एक क्वेश्चन आता है यार इकोनॉमिक्स में कि गरीबी का दुष्प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है तो उसके लिए गरीबी दुष्चक्र की अवधारणा होती है वो बना के दिखा देता हूँ इस तरह से क्वेश्चन आता है तो गरीबी से क्या होगा कि व्यक्ति के पास आए नहीं रहोगे तो कुपोषित रहेगा वो कुपोषित रहेगा और उसके जो मानसिक विकास नहीं हो पाएगा तो अशिक्षित रह जाएगा अशिक्षा से वो जो अकुशल एक, एक हो जाएगा उसको स्किल नहीं मिल पाएगी और स्किल नहीं मिलेगी तो बेरोजगार रह जाएगा और वापस से गरीब हो जाएगा तो ये एक साइकिल बन जाएगी गरीबी की तो इस तरह से एक ये फ्लोसरा डायग्राम बना सकते एक मैप बना के दिखा देता हूँ कि मैप का यूज कहाँ करना चाहिए इस तरह से एक इंडिया का मैप बना सकते हैं वहां पे ज्यादा अच्छा बन जाएगा जैसे मैंने ये दिखाया था कि पाल वंश का शासन यहाँ पे था अगर आपको यहाँ पे नदियां दिखानी है तो हिमालय की नदियां दिखा दो और बाकी नदियां भी आप दिखा सकते हो तो इस तरह से एक मैप बना के आप दिखा सकते हो कभी कभी है ना जो अपन निष्कर्ष लिखते हैं तो निष्कर्ष में आप थोड़ा सा इनोवेटिव क्योंकि अगर टाइम नहीं मिल रहा है आपको पूरा पैराग्राफ लिखने के लिए तो थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया में निष्कर्ष लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ये निष्कर्ष मैंने कई सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं जैसे नक्सलवाद का क्वेश्चन आएगा तो नक्सलवाद में हम उन लोगों की पहचान करो और समुदाय की पहचान करो जो उसके लिए वनरेबल है उन तक प्रशासन की पहुँच करो उनका विकास सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तीनों तरह से विकास करो और कोई भी वंचित वर्ग है जैसे विकलांग है तो विकलांग उस व्यक्ति और समुदाय की पहचान करो प्रशासन तक पहुंच करो सामाजिक आर्थिक राजनीति विकास करो सेम ऐसे कोई ट्रांसजेंडर समुदाय है तो ट्रांसजेंडर समुदाय की पहचान उन तक पहुंच विकास कोई जो अपने जम्मू कश्मीर है जम्मू कश्मीर में कोई व्यक्ति आतंकवाद में क्यों शामिल हो रहा है तो उसकी पहचान करो प्रशासन तक तो उसकी पहुंचो उसका इस तरह से विकास करो तो ये निष्कर्ष हम कई जगह यूज कर सकते हैं तो इस तरह थोड़ा इनोवेटिव निष्कर्ष भी लिख सकते हैं एक मैं दिखा देता हूं कि पाई चार्ट का यूज कैसे करना है ये समुद्री जल स्तर में वृद्धि के लिए कौन कौन कितना महत्वपूर्ण ज़िम्मेदार होता है उन सब का है तो 25 परसेंट होता है वो ग्रीन लैंड से मिलता है 23 परसेंट जो ग्लेशियर पिघलते हैं उससे मिलता है 34 परसेंट जो तापमान के कारण जो उसमें प्रसार होता है उससे होता है 10 परसेंट अंटार्क्टिका से मिलता है तो पाई चार्ट से हमने दिखा दिया कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि किस किस चीज़ से कहाँ कहाँ कितनी होती है एक मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाने होते हैं ये राजनीति में महिलाओं का पार्टिसिपेशन का ग्राफ है तो इस तरह से हमको डाटा पता है तो हम ग्राफ बना के दिखा सकते हैं कि महिलाओं का जो परसेंटेज है वो लगातार बढ़ रहा है तो मैंने इस तरह से डायग्राम डाटा फ्लोचार्ट मैप इन सब का यूज़ किया था तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी कर सकते हैं और ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी जब तक आप जितने आंसर्स लिखेंगे जितने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उन सब चीज़ों से ही आएगा तो लगातार प्रैक्टिस करें और अपने डाटा डायग्राम अपने खुद से तैयार करें कोई इशू नहीं है आप उनको बनाओगे तो सबसे अलग रहेगा आपको मार्क्स मिलेंगे ये सवाल हम लोग डील करने वाले थे वर्बली बातचीत के दौरान इसी तरीके से जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वैसे सवाल को डील करते कि आंसर राइटिंग में चार्ट डायग्राम एक सवाल आया है मेन्स आंसर राइटिंग के लिए चार्ट डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं उदाहरणों से समझा दीजिए इनको सब्जेक्ट वाइज समझा दीजिए तो हमारी योजना ये थी कि हम बातचीत के दौरान इस पर बात करेंगे लेकिन फिर अंतिम पाँच मिनट में हमने ये तय किया इसे बोर्ड पर करेंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आएगा मुझे उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा ठीक है आप क्योंकि ये आंसर राइटिंग के बाद चल रही है तो आंसर राइटिंग वाले सेगमेंट से सवाल जो हैं उसको पहले डील कर लेते हैं एक सवाल यह है कि मेंस का आंसर लिखते समय कहीं हिंदी के शब्द जटिल होते हैं उनके स्थान पर क्या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना उचित है हिंदी माध्यम के लिए हाँ यार ये समस्या हमारे हिंदी माध्यम में आती है कि जो अंग्रेजी की टर्म्स हैं जैसे साइंस या टेक्नोलॉजी हो गई या आई हो गई तो वहाँ पे हमको जो हम उसका अगर हिंदी अर्थ कर देंगे तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो मेरी सलाह ये रहेगी कि उसको देवनागरी लिपि में वैसे के वैसे लिख दो जैसे कुछ भी टर्म्स है टू स्टेट सोल्यूसन है तो द्विराष्ट्र समस्या समाधान ये सब लिखने से बेटर है टू स्टेट सोल्यूशन लिख दो तो इसी तरह के जैसे बिग डाटा है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है वो चल जाता है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप लिख रहे हो तो देवनागरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दो कोई इशू नहीं है लेकिन वही है कि एक पेज में तीन चार सबसे ज़्यादा मत लिखना कि नहीं तो चेक करने वाले पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि ये पूरा ही इंग्लिश में लिख रहा है तो लिमिटेड मात्रा में आप लिख सकते हैं और देवनागरी लिपि में ही लिखें रोमन में लिखने की कोशिश ना करें ठीक है मेंस के सभी विषयों पर रोजाना उत्तर लिखना चाहिए समय नहीं मिल पाता कक्षा के बाद सभी विषय में उत्तर लिख सकें इसके लिए क्या करना चाहिए कुल मिलाकर आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जब मैं कोचिंग कर रहा था तो यार कोचिंग से क्योंकि हमको जीएस की भी कोचिंग करनी होती है फिर उसका रिवीजन करना होता है ऑप्शनल की कोचिंग करनी होती है उसका रिवीजन करना होता है तो उतना टाइम नहीं मिल पाता तो क्लास में आपको जितने भी आंसर्स मिलते हैं एक तो उनका सबका आंसर लिख के जमा कराओ और फिर जो हर संडे या हर पंद्रह दिन में जो टेस्ट होता है उसको स्किप मत करो उसका आंसर लिख के यहाँ पे टेस्ट देने आओ उससे क्या है बीच बीच में हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी फिर जैसे ही आपका छः सात महीने का सेगमेंट हो जाए या उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने पर आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट दृष्टि की वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं इनसाइट्स की आई एस बाबा कोई भी एक वेबसाइट फॉलो करके वहाँ पे आप आंसर्स जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिख के अपलोड कर रहे हैं वहाँ से लगातार देखते रहें और अपनी आंसर्स की जो स्किल है उसको सुधारते रहें तो शुरू में कोचिंग के आंसर्स लिखो आप टाइम नहीं मिल रहा है तो यार टाइम निकालना पड़ेगा क्योंकि प्री क्वालीफाई कर लेना इस बात का सोल्यूसन नहीं है प्री क्वालिफ़ाई करके आप फिर से जीरो पे आ जाओगे जब तक आप मेंस नहीं दोगे इंटरव्यू नहीं दोगे तब तक आपका कोई मतलब नहीं है तो जितना भी इन्वेस्टमेंट करना है मेंस पे करो और उसके लिए आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी तो डे वन से आप स्टार्ट करो कैसा भी आंसर लिख रहे हो कोई इशू नहीं है लगा लेकिन वो धीरे धीरे दो ढाई महीने की आपकी जो प्रक्रिया है उसमें आपका आंसर अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा तो लगातार प्रैक्टिस करते रहो हो जाएगा ठीक है एक सवाल ये कि करंट अफेयर्स के जो सूचनाएं हैं उसको अपने आंसर में कैसे इंसर्ट करें कितने परसेंट इंसर्ट करें कितना ज़रूरी है ये कैसे जोड़ें उसको आप जी के आंसर में करंट अफेयर को यार यूज करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है जी में और ऑप्शनल में भी आप यूज कर सकते हैं जी में आप दो तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं जैसे अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग आई है तो गरीबी वाला क्वेश्चन है उसमें आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं या कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की ये रैंकिंग है जो दिखाता है कि हम लोग जो हम जो मूलभूत आवश्यकता है हमारे नागरिक उनको नहीं पहुंचा पा रहे हैं उसी तरह से जब किसी एसडीजी में अपन ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि भारत सरकार ने एस डी और एस डी में इसका अच्छा परफॉर्मेंस दिया या बेहतर रूप से हम कार्य कर रहे हैं ठीक उसी तरह नीति आयोग की कोई रिपोर्ट आई है या कहीं किसी की रिपोर्ट आई है तो उसका आप इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं बीच में आप डाटा लिख सकते हैं मेन बॉडी में या उसका कंक्लूजन में लिख सकते हैं कोई इशू नहीं है कहीं पर यूज़ कर सकते हैं सेम ऐसे ही आप ऑप्शनल जैसे मैं हिंदी साहित्य में करता था कि कहीं पर कोई भी दलित या वंचित वर्ग के खिलाफ कोई घटना होती थी तो मैं महाभोज में उसका कंक्लूजन में लिखता था कि तीस साल पहले चालीस साल पहले जो बेलची हत्याकांड पे महाभोज लिखा महा गया है वो घटनाएं आज भी हो रही हैं तो हमारा देश लगातार उसी दशा में पसा हुआ है तो उस घटना का नाम लिख के आप उसको लिंक कर सकते हैं तो चेक करने वाले पे इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि आप लोग लगातार करंट से जुड़े हुए हैं तैयारी के दौरान नोट्स के अलावा रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए क्या सबसे पहले आप अपने नोट्स पर पकड़ बना लोगे उसके बाद पढ़ लो कोई इशू नहीं है बट रेफरेंस बुक भी वही पढ़ो जो काम की हो जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं लेकिन जो प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा पढ़ते हैं मैं सलाह नहीं दूंगा उसको पढ़ने की क्योंकि मैंने पढ़ा है कोई काम की बुक नहीं है सेम ऐसे से जो मध्यकालीन भारत के लिए है वो बुक भी कोई काम की नहीं है उससे बेटर दृष्टि द्रस्ट, के नोट्स हैं तो दृष्टि के नोट्स पर फोकस करो और रेफरेंस बुक सेलेक्टिव रूप से जैसे स्पेक्ट्रम है उसमें दो तीन चैप्टर काम के हैं एक तो ट्रेड यूनियन वाला काम का है और एक जो उन्नीस के बाद का जो चैप्टर है वो कहीं नहीं मिलता तो वो काम का है तो सेलेक्टिव चैप्टर पढ़ो और जो नोट्स हैं उसका बार बार रिवाइज करो यार वो अगर उस पर पकड़ है आपकी तो उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी पढ़ लो कोई इशू नहीं है लेकिन पहले उस पर पकड़ होना ज़रूरी है ठीक है बहुत ज़्यादा सवाल है न्यूज़पेपर को लेकर न्यूज़पेपर हिंदी माध्यम वाले कौन सा पढ़ें पढ़ें या ना पढ़ें उसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है और आपने क्या किया था जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मुझे बताया गया था कि दैनिक जागरण ही हिंदी माध्यम का एक अच्छा अखबार है लेकिन वो अखबार उस लेवल का नहीं है कि हम उसको यू में यूज़ कर सकें तो उसके बाद से फिर दृष्टि आई ए ने अपनी वेबसाइट भी शुरू की है तो मेरे हिसाब से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कई सारी वेबसाइट हैं इनसाइट्स भी डालता है दृष्टि भी वाले भी डालते हैं बाकी तो न्यूज़पेपर को अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है मैंने दैनिक जागरण पढ़ा है बट वो उस लेवल का अखबार नहीं है और दैनिक जागरण मैं इसलिए पढ़ता था कि देश दुनिया में क्या चल रहा है उन चीज़ों की मेरे तक जानकारी रहे क्योंकि अगर हम मैगज़ीन पढ़ते हैं या किसी वेबसाइट से पढ़ते हैं तो वो हमारे सलेबस से जो चीज़ें मैच होती हैं वही वहाँ पर डालते हैं बाक़ी देश दुनिया में क्या चल रहा है वो पता नहीं चल पाता तो मैं इसलिए पढ़ता था तो मेरी सलाह रहेगी कि अखबार पढ़ने में अगर ज़्यादा टाइम आपका लग रहा है तो ना पढ़े वेबसाइट या मैगजीन ये सब चीज़ फॉलो कर सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं एक दिन में दो पेपर होते हैं उनको रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि लगातार जैसे कई लोग दो क्लास करते होंगे यहाँ तो उसके साथ अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें घर पर क्या पढ़ें किस तरीके से आगे बढ़ें खास करके जो लोग कोचिंग कर रहे हैं अभी यार आप देखो तीन घंटे जीएस की कोचिंग हो गई तीन घंटे ऑप्शनल तो छः घंटे आप कोचिंग में हो गए हैं, और छः घंटे आप उसको रिवाइज़ करोगे तो आपको शॉर्ट नोट्स के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा उतना तो मेरे हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने के बजाय आप उसी में हाईलाइट करके या अंडरलाइन करके काम चला सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा शॉर्ट नोट्स अगर बनाओ भी तो भी दो या तीन बार रीडिंग के बाद बनाना क्योंकि पहली रीडिंग के बाद बनाने बैठोगे सेम उसी चीज़ को लिख दोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो दो या तीन रीडिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और नोट्स इस तरह से बनाओ कि प्रिलिम्स के लिए आप डाटा लिखो वो कोई काम नहीं आने वाला है के हिसाब से नोट्स बनाओ ताकि मेंस में जब टाइम कम मिलता है आप लोगों को तो वो बीच के जो सात आठ घंटे मिलते हैं आपको रिवीजन के लिए उसमें रिवीजन हो जाए तो उसके लिए आप कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से कोचिंग के टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलेगा तो इस चीज़ से बचना ही मेरी सलाह है बाद में कोचिंग के बाद आप बना सकते हो कोई इशू नहीं है और आपको टाइम मिल रहा है संडे को आप फ्री हो तो बना सकते हो क्योंकि फ़ायदेमंद रहता है वो चीज़ें मेन्स के टाइम पर खासकर रिविज़न के लिए दो सवाल थोड़ा हम आउट ऑफ ट्रैक लेंगे एक सवाल है कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ की जो हमें नहीं करनी चाहिए वो बता दें यूपीएससी के सफ़र में आपने ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ की जिसका एहसास आपको है और आप सलाह देंगे कि आप लोग तो मत कीजिएगा यू मेरे हिसाब से गलती करके गलती सुधारने ही अपनी सफलता का पूरा राज है मैं मेरी सफलता में तो मेरी जितनी भी गलतियाँ है हुई हैं जिनको मैंने सुधारा है और उसी से मेरे सिलेक्शन हुआ है जैसे पहला बार मेरी गलती थी मैंने ऑप्शनल बिना सोचे समझे किसी दूसरे की सलाह से ले लिया था तो मैंने सबसे पहली गलती सुधारी मेरी ऑप्शनल को सुधारा मैंने ऑप्शनल को ठीक किया दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैंने जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसको अवॉइड किया खुद ही अकेले अकेले पढ़ता रहा तो मेरे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में ओनली 140 मार्क्स थे तो मेरे हिसाब से बहुत कम मार्क्स है क्योंकि मुझे उस टाइम पे अगर 170 मिलते तो मेरे दो साल का जो संघर्ष था वो नहीं होता तो मैंने अपनी उस गलती को सुधारा और अपना इंटरव्यू इम्प्रूव किया और ग्रुप डिस्कशन को बढ़ावा दिया तो इस बार मेरे वन मार्क्स हैं तो जो तैंतीस मार्क्स का इम्प्रूव है मेरे हिसाब से नॉलेज की बजाय ग्रुप डिस्कशन से मिला है तो ये दो गलतियाँ आप करने से बचो ऑप्शनल का सही ढंग से चुनाव करना दूसरा कमरे में रह के पढ़ाई से बेटर है कि शाम को आधा घंटा एक घंटा अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करो चीज़ों का उससे पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट आप आंसर लिखोगे चीज़ें आपके माइंड में लगातार रिवाइज होती रहेंगी और एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनेगा तो आपको लगातार पुश करते रहेंगे जो कि जरूरी है जो सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं करंट अफेयर्स को लेकर तो उसके अलग अलग डायमेंशन को पकड़ते हैं बात करते हैं एकाद ऐसे अनुरोध हैं कि करंट अफेयर्स के लिए आपकी पूरी स्ट्रेटजी किस तरीके की थी कैसे कैसे आपने तैयारी की किन किन सोर्सेज का इस्तेमाल किया और आज के दौर में अगर आप सलाह देना चाहें कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए तो एक समग्रता में कुछ बच्चे चाहते हैं कि आप बता दें साथ ही इसमें यह भी सवाल नहीं थे कि कितने समय पहले तक का करंट अफ़ेयर्स कवर करना चाहिए करंट अफेयर आज के जो पेपर का पैटर्न दिखोगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है 2017 के बाद से वो डायरेक्ट करंट अफेयर नहीं पूछते लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं वो करंट के इर्द गिर्द घूमते हैं तो मैंने पिछले चार पाँच साल के पेपर देखे थे तैयारी से पहले तो फिर मैंने जो तो सत्रह में तैयारी शुरू की थी तो सोलह में लगभग बीस बाईस क्वेश्चन करंट के थे तो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि करंट पे अच्छा खासा वेट फोकस करना है तो इसके लिए मैं दो तरह से करंट अफेयर का करता था एक तो मैं डेली करंट अफेयर का यूज़ करता था दूसरा मंथली डेली के लिए मैं एक वेबसाइट फॉलो करता था उस टाइम पे दृष्टि की वेबसाइट शायद उतनी खास या आई नहीं थी तो मैं इन साइट को मैंने स्टार्ट किया था इन साइट से मैं डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाता था बाद में फिर मैं दृष्टि पे स्विच हो गया जब दृष्टि की जब सारे आए थे उसके बाद दृष्टि की वेबसाइट काफ़ी ठीक हो गई तो फिर मैं वहाँ से डेली करंट अफेयर के नोट्स बनाने लगा और मंथली के लिए मैं दृष्टि की मैगजीन पढ़ता था तो मेरे हिसाब से आपको भी दो स्तर पर करना चाहिए एक तो डेली करंट अफेयर और दूसरा मंथली इससे क्या है कि कोई चीज़ अगर आप मंथली में चीज़ छूट भी रही है तो वो डेली वाले में आपके कवर हो जाएगी और लगातार चीज़ें रिविज़न होती रहेंगी तो उससे आपका जो कन्सेप्ट है वो बिल्डअप होता रहेगा और एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा जो डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बनाओगे उसका रिविज़न करते रहना हर संडे पे उसका रिविज़न करते रहना अगर रिविज़न नहीं होगा तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा तो रिवीजन उसका करते रहना साथ में मंथली मैगज़ीन पढ़ते रहिएगा करंट अफेयर आसानी से हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन था कि कितने समय पहले का करंट अफेयर तो जनरली एक साल पहले का करंट अफेयर पढ़ लेना चाहिए उससे ज़्यादा बियॉन्ड जाने की आवश्यकता नहीं है वहाँ से अगर एक दो क्वेश्चन आते भी हैं तो अगर दो चार मार्क्स के लिए आप पूरा एक साल का करंट अफेयर पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाता तो तैयारी स्मार्ट तरीके से करो एक साल का करंट अफेयर सफिशेंट है वो पढ़ो चलिए अगला सवाल है कि जब हमारे प्रिलिम्स के टेस्ट होते हैं तो कभी मार्क्स अच्छे आते हैं कभी अच्छे नहीं आते और जब मार्क्स अच्छे नहीं आते तो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है डीमोटिवेटेड फील होता है मेरा पहला सवाल तो है कि आपके साथ ऐसा हुआ है क्या सबके साथ होता है मेरा टेस्ट सीरीज में 80 से लेके और 120 30 वेरी करता था तो 80 आएगा तो मैं खुद भी डिमोटिवेट होऊंगा तो ऐसा कुछ नहीं है सबके साथ होता है वो तो बताना ये है कि उभरते कैसे थे इसको लेकर पहले तो समझ क्या डेवलप करनी चाहिए कि टेस्ट को के मार्क्स का दबाव कितना लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए टेस्ट सीरीज इसलिए करते हैं हम लोग कि यहाँ जो गलतियाँ कर रहे हैं वो मेन्स में जो मेन एग्जाम है वहाँ पे ना हो तो यहाँ पे कम मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ वहाँ आपके कम मार्क्स आएंगे दूसरा अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा पढ़ाई का लेवल थोड़ा बढ़ा दो ज़्यादा पढ़ने लग जाओ उस पर निराश होकर बैठना कोई सोल्यूस नहीं है आप निराश होकर बैठ जाओगे अगली बार और भी कम आएँगे फिर वापस निराश होगे तो ये साइकिल फिर चलती रहेगी तो कब तक निराश होकर बैठोगे हो तो मैं तो यही सोचता था कि अगर कम आए तो मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा ज़्यादा पढ़ूँगा और दूसरा कि मेरे से क्या क्या गलतियाँ हुई हैं जो अभी हुई है मैं वहाँ पे नहीं करूँगा तो कई बार होता था कि जो क्वेश्चन था मैं सही ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे नहीं है पूछा है मैं है करके आंसर लगा दिया तो ये गलतियाँ यहाँ पे कर लो लेकिन यहाँ पे गलती करिए सुधारो उसको वहाँ पे मत करना तो टेस्ट सीरीज़ का पर्पज़ यही है यहाँ पे आप टॉपर बन रहे हो या कम मार्क्स ला रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं है टॉपर बनने से आपको ये हुआ कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और कम मार्क्स आने से आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार कम मार्क्स आ रहे हैं लेकिन उस चीज़ को सुधारो चीज़ें सुधरती हैं अपने आप तो यहाँ जो गलतियाँ हो रही हैं उनको दूर कर लो अपने आप मार्क्स अच्छे जाएंगे क्वालिफाई भी हो जाओगे अगला एक और सवाल है कि कॉन्टीन्यूटी नहीं बन पा रही है स्टडी को लेकर कभी घंटों पढ़ाई हो जाती है और कभी क्षण भरण भी नहीं होती है ये मेरे ख्याल से सबका होता है लेकिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो चिंता की बात है तो फिर मैं वही पूछूँगा कि कॉन्टीन्यूटी तो आपकी भी ब्रेक होती होगी डिरे लाभ भी हुआ करते होंगे तो उस दौर में क्या किया करते थे कैसे फिर ट्रैक पर आते थे और आप क्या सलाह देंगे ये एक दिन की तैयारी की प्रोसेस नहीं है एक महीने की नहीं है पूरी प्रोसेस है डेढ़ साल दो साल की पूरी तैयारी की प्रोसेस है और हम रोबोट नहीं है कि हम लगातार पढ़ते जाएं बीच में ब्रेक नहीं हो घर भी जाना होता है बाकी कई सारे फंक्शंस अटेंड करने होते हैं तो एक दो दिन के लिए ब्रेक होती है लेकिन अगर आप लगातार पाँच सात दिन ब्रेक कर रहे हो तो ये चिंता की बात है तो एक दो दिन के लिए आप जैसे दिवाली पर घर जाओगे तो दो दिन के लिए चले जाओ लेकिन साथ में किताबें लेके जाओ तो अगर आधा घंटा एक घंटा मिल रहा है पढ़ने को तो पढ़ लो उस टाइम पे आप घर पे हो ट्रेन में जा रहे हो तो वेबसाइट खोल के वहाँ से पढ़ लो तो इस तरह की चीज करने से आपका खुद का जो गलाने की भावना आती है कि यार मैं पढ़ा नहीं हूँ वो नहीं आएगी आप आधा घंटा पढ़ोगे एक घंटा पढ़ोगे उससे मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार मैं घर पर हूँ लेकिन फिर भी मैं पढ़ा पढ़ाऊँ तो इस तरह की चीज़ें करते रहो तो लगातार जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहेगा और पाँच सात दिन का ब्रेक मत देना कभी भी क्योंकि मैं तो लॉजिक नहीं है इस चीज़ का लेकिन मैं बता दूँ मेरा ये मानना था कि अगर मैं दस घंटे लगातार पढ़ूंगा और बीच में दो दिन नहीं पढ़ा तो उसको इंटू से जीरो कर दूंगा तो मेरा पूरा जीरो हो जाएगा तो मैं ज़्यादा गैप नहीं देता था तो आप लोग भी शायद इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि ज्यादा जो गैप है वो मत दो और घर पे हो तो थोड़ा बहुत पढ़ो आधा घंटा एक घंटा जितना हो रहा है पढ़ो लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखो ठीक है मुख्य परीक्षा वाले सेगमेंट में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों में निहित विभिन्न खंडों को कैसे पहचाने एवं निर्धारित शब्द सीमा में उनका प्रभावी एवं सटीक उत्तर कैसे लिखें उत्तर लिखने वाली बात तो लगभग हो गई है लेकिन प्रश्नों को तोड़ने वाली बात अलग अलग खंडों को पहचानने वाली बात या जिसे हम कहते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसको पहचानना इसके लिए क्या तरीका हो सकता है किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए यार आजकल जो यूपीएससी है वो डायरेक्ट एक टॉपिक का क्वेश्चंस नहीं पूछती है एक टॉपिक में तीन चार टॉपिक घुसा के ऐसे क्वेश्चन पूछती है तो आप वहाँ पर जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो उसके पेन से अंडरलाइन कर लो कि जो मेन मेन उसके शब्द हैं कि कोई भी टॉपिक है उसका चार पार्ट में डिवाइड कर लिया फिर तो चारों का अलग अलग आंसर देना होता है तो जैसे 200 वर्ड्स में लिखना है तो 50 50 वर्ड्स में आंसर हो जाते हैं और आपने जैसे इस बार क्वेश्चन आया था मैं खुद भी गलत करके आया हूँ जल्दीबाजी के चक्कर जल्दी में शायद पेपर टू में था उसमें एक तो लिखा था महिलाओं के लिए जो योजना हैं दूसरा था वृद्धों के लिए योजना तो मैंने पढ़ा नहीं वृद्ध वाला और मैं केवल महिलाओं के लिए लिख के आ गया तो दस में से मेरा पाँच ही मार्क्स का चेक हुआ होगा क्वेश्चन पाँच का मैं वर्द वाला छोड़ के आया हूँ तो इस तरह से आप ब्रेक करोगे ना तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा मैं जल्दीबाजी में मैंने उसको ब्रेक करना भूल गया और मेरा नुकसान हो गया तो आप भी इस तरह से लगातार अंडरलाइन कर लो उनको अंडरलाइन करके अलग अलग आंसर दो पहचानना ज़्यादा टफ नहीं है पहचान जाओगे आप उसको लेकिन अंडरलाइन करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ इसके चार पार्ट है चार का आंसर देना है तो इस तरह से आप प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे तो ही वहाँ परफॉर्म होगा फिर टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट को एक दिन में कितने सब्जेक्ट को डील करें या फिर क्या रूटीन फॉलो करें इस तरीके से कि टाइम मैनेज हो जाए जैसे कई लोगों के सवाल तो ये हैं कि एक दिन में दो तीन विषय को डील करना ज़्यादा अच्छा है कुछ लोगों के सवाल हैं कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए ठीक है और इतना ज़्यादा रिविज़न वर्क भी है अलग अलग सब्जेक्ट टॉपिक्स भी कवर करने हैं तो कैसे टाइम मैनेज किया जाता है इसमें सब्जेक्ट के लिए तो यार मैं ये बोलूँगा कि अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे तो मेरा ये रहता था कि दो सब्जेक्ट जी के और एक ऑप्शनल का एक दिन में तीन सब्जेक्ट पढ़ता था और जी के सब्जेक्ट भी इस तरह से चूज करो जैसे मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ तो साथ में मैं जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है जोग्राफी का उसको साथ में पढ़ूंगा ताकि दोनों चीज़ साथ में कवर हो जाएँ सेम ऐसे ही अगर मैं इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं जैसे इसरो का यूज़ कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो इंटरनल सिक्योरिटी में किस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है तो मैं साथ में इस तरह से कंबाइन करके पढ़ता था और एक अपना ऑप्शनल तो तीन सब्जेक्ट पढ़ने से आप बोर भी नहीं होंगे और चीज़ें ईजिली कवर भी हो जाएंगी और तो दूसरी बात कि कितने घंटा पढ़ना चाहिए तो मेरे हिसाब से अगर आप सात आठ घंटे सो लो उसके बाद में खाना पीना और दोस्तों के साथ थोड़ा जाने में जो टाइम लगता है दस बारह घंटे अगर निकाल दो तो बाकी टाइम क्या करना है फिर पढ़ना ही तो है तो जितना भी टाइम मिले घंटे गिनने के बेटर है कि पढ़ने बैठ जाओ और घंटे मेरा मैं बता दूँ या पूरे साल का एवरेज अगर आप निकालोगे तो छः सात घंटे सात आठ घंटे निकलेगा और प्री और मेंस के बीच का जो क्रूशियल टाइम होता है उसमें अगर निकालोगे तो बारह से चौदह घंटे एवरेज तो वही टाइम होता है जहां आप ज़्यादा पढ़ सकते हो बाकी पूरे साल में तो हम सात आठ घंटे ही पढ़ पाते हैं क्योंकि रोबोट नहीं है कि पंद्रह सोलह घंटे लगातार पढ़ पाएँ तो और तीसरी चीज़ है कि रिविज़न तो रिवीजन के लिए मैं तो मेरा तो मानना है कि रिवीजन ही इस एग्ज़ाम को निकालने की की है जितनी बार रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा होगा तो मेरा ये रहता था कि मैं जो भी रिवीजन कर रहा हूँ उसके मैं डेट वाइज करता था कि मैं आज रिवीजन कर रहा हूँ तो सात दिन बाद इस चीज़ का वापस रिवीजन होना चाहिए तीस दिन बाद वापस होना चाहिए तो मैं उसको मैंटेन करता था डायरी में लिख के तो आप लोग कर सकते हैं ऐसे महीने में अगर तो कोई चीज़ तीन बार रिवाइज हो रही है तो वो कम से कम माइंड में हमारी रहेगी भूलेंगे नहीं तो आप भी इस तरह से कर सकते हो मैगजीन को लेकर सवाल है कि आपने कौन सी मैगजीन पढ़ी थी और दृष्टि की मैगजीन के अलावा और कुछ पढ़ना चाहिए कोई और मैगजीन पढ़नी चाहिए या एक मैगज़ीन काफ़ी है मैं एक तो वेबसाइट का बता दिया कि एक वेबसाइट फॉलो करता था साथ में दृष्टि की मैगजीन पढ़ता था और इसके अलावा लास्ट में प्रीलिम्स से पहले ओनली आई ए नाम से एक यूट्यूब चैनल है वो कंपाइलेशन वीडियो डालता है प्रीलिम्स के लिए तो मैं उसको भी फॉलो करता था तो करंट अफेयर के लिए मेरी तीन चीज़ें थी मैं इन्हीं को फॉलो करता था ठीक है एक सवाल ये है कि पेपर वाइज अगर आप बता दें पेपर वन टू तो, थ्री फोर की तैयारी कैसे कैसे करें और किन किन पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो अगर आप पेपर वाइज स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहें मेंस को मेंस में आपको यह तो पता ही होगा कि कौन से पेपर में कौन से सब्जेक्ट हैं तो जैसे जी एस वन की बात करें तो जी एस वन में हिस्ट्री आता है आर्ट एंड कल्चर है इंडियन सोसाइटी है और अपना जोग्राफ़ी है तो आप अगर पेपर देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आठ से नौ क्वेश्चन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के होते हैं चार पाँच क्वेश्चन हमारे सोसाइटी के पार्ट के होते हैं और सात आठ क्वेश्चन जोग्राफी के होते हैं तो इस तरह से आप पेपर का एक बार पहले एनालाइज़ कर लो कि पेपर किस तरह से पूछ रहा है तो किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है जैसे पेपर वन में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन या तो एक क्वेश्चन रहेगा या एक बार एक भी क्वेश्चन नहीं रहता तो उस पर आप अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता तो उस तरह की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और जहाँ पे रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम या दृष्टि के नोट्स हैं वहाँ पे अट्ठारह सत्तावन के बाद के ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो उनको ज़्यादा फोकस करो और सेम ऐसे सोसाइटी है तो सोसाइटी में भी जो भारत के जो समाज में जो जो कमियाँ चल रही हैं ना आज के ज़माने में फीमेल्स को लेके के हैं वृद्ध्स को लेके हैं जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर क्वेश्चन हैं तो हमको उन पर फोकस करना चाहिए ना कि जो कन्वेंशनल चले आ रहे हैं उन चीज़ों को और जोग्राफ़ी पूरा करंट अफेयर पर रहता है लगभग कि कहाँ पर बाढ़ आई है कहाँ पर भूस्खलन हुआ है तो करंट अफेयर से टच में रहेंगे तो जियोग्राफी क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे तो पेपर वन के लिए तो ये है पेपर वन का ये रहता है कि यहाँ पे आप हिस्ट्री में डाटा मैप बना सकते हो जोग्राफी में बना सकते हो और जो सोसाइटी है उसमें डाटा का यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे आप खूब डायग्राम फ्लो चार्ट बना सकते हो कोई इशू नहीं है पेपर टू में आपका रहता है पॉलिटी गवर्नेंस इस, इस, सोशल जस्टिस और आईआर आईआर पूरा करंट अफेयर है आईआर के लिए एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नेंस और पॉलिटी ये आपके दृष्टि के नोट्स हैं या लक्ष्मीकांत है कहीं से भी पढ़ लो हो जाएगा इजीली और लगभग करंट अफेयर का रहता है यहाँ पर और सोशल जस्टिस में मैंने कोई नोट्स नहीं पढ़े हैं मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या करना होता है समाज के जितने भी वंचित वर्ग है जैसे महिला है वृद्ध विकलांग ट्रांसजेंडर सबकी क्या क्या समस्याएं हैं क्या क्या इसके समाधान हो सकते हैं सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं आप एक पेज में खुद से नोट्स बना लो अपने मोर देन एनएफ है ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं तो सरकार की योजनाएँ आप लिख दोगे कंक्लूजन में तो आपका इजीली हो जाएगा पेपर थ्री में इकोनॉमी है दस क्वेश्चन लगभग इकोनॉमी के होते हैं उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट है एनवायरनमेंट है तो इन जो टॉपिक्स हैं इन पे हम बहुत ज़्यादा कम फोकस करते हैं पूरा फोकस हमारा इकोनॉमी पे चला जाता है इकोनॉमी के दस क्वेश्चन होंगे तो बाकी दस क्वेश्चन यहाँ के होंगे तो इन टॉपिक्स को तैयार करने की ज़रूरत है दृष्टि के नोट्स आप पढ़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो रेफरेंस बुक के मेरे हिसाब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाएगा ना फिर आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे ढाई सौ वर्ष लिखने होते हैं बस तो ढाई सौ वर्ष के लिए आप नोट्स पे रह सकते हैं साथ में करंट अफेयर ऐड करते रहिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है और हमारे हिंदी मीडियम का थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है जो एथिक्स का पेपर है एथिक्स में हम जो दृष्टि के नोट्स हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं दूसरा जो जो मैंने किया है बेटर इंडिया नाम से एक वेबसाइट है द बेटर इंडिया वहाँ पे जो आई एस आई पी एस ऑफिसर्स है जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लगातार ब्लॉग्स आते रहते हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में ये किया जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मिज़ोरम के अंडर के एक आई ए एस ऑफिसर है भूपेश चौधरी उन्होंने वहाँ पे किसानों की आमदनी चौदह गुना बढ़ाई है इसके लिए उन्होंने किया था कि जो मिर्ची की फसल थी उसको जीआई टैग दिलवाया ताकि उसकी इंटरनेशनल मार्केट उसमें कीमत बढ़ जाए तो हम यहाँ इकोनॉमी में या बाकी जगह इसको यूज़ कर सकते हैं कि सरकार बात कर रही है किसानों की आई हमको दोगुनी करनी है जबकि उस आई ने चौदह गुना बढ़ाई है तो इसका कोट हम कर सकते हैं कि इस तरह से भी किया जा सकता है तो उस चेक करने वाले को ये रिलेवेंट एग्जाम लगेगा और केस स्टडी के लिए आप विकास सर की क्लास कर ही रहे हैं तो वो लगातार डेली प्रैक्टिस के लिए देते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है वहाँ से आपका इजिली हो जाएगा तो मेरी ये रणनीति थी, थी चारों पेपर्स की ठीक है और निबंध को लेकर अगर बात करें निबंध के लिए मैंने विकास सर की जो क्लासेस थी वो की थी विकास सर सात आठ क्लास लेते हैं और उसमें पूरा निबंध का निचोड़ समझा के समझा देते हैं कि कैसे क्या करना है और निबंध में मेरे में मार्क्स शुरू से काफ़ी अच्छे रहे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे एक थे उसके बाद एक सौ पैंतीस फिर एक सौ अड़तीस जो कि अच्छे मार्क्स हैं तो मेरी सलाह ये रहेगी कि विकास सर की जो क्लास में जो भी पढ़ाए हैं वो क्लास में उनका मेनली फोकस रहता है डायमेंशन को लेके कि आप जितनी ज़्यादा डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं डायमेंशन यूज़ करो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ कि दो में एक निबंध आया था कि किसी देश की जो कक्षाएँ होती हैं उसके भविष्य का निर्माण करती है तो आप इसमें जितनी भी डायमेंशन हो सकती हैं आप हिस्ट्री से लिंक कर सकते हो कि तकसिला नालंदा हमारे यहाँ पे थी और हम लोग तब विश्वगुरु थे तो हमारे जो कक्षाएं थी उन्होंने हमारे देश का मान बढ़ाया था उसके बाद उसको आप आई से रिलेटेड कर सकते हो कि विदेशों से हमारे यहाँ पर पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं अभी भी उसको आप इकोनॉमी से लिंक कर सकते हो कि यहाँ पे हम जो हमारे जो कुशल जो युवा इंजीनियर है वो अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए उसको आप आई से रिलेटेड कर सकते हो दूसरी तरह जैसे मैंने वहाँ पे कोट किया था कि इज़राइल और सीरिया दोनों अगल बगल में हैं लेकिन शिक्षा ने इज़राइल को कहाँ पहुँचा दिया और सीरिया कहाँ पे है तो इस तरह से आप जितनी डायमेंशन कवर करोगे तो मेरे हिसाब से निबंध में मार्क्स उतने मिलेंगे और दूसरा जो कोटेशंस होते हैं जो वो दृष्टि किताब से आप कलेक्ट कर सकते हैं मैंने पिछले सेमिनार में भी सुनील से भी पूछा था सुनील धनवंता से एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पर आजकल खूब ज़्यादा आ रहे हैं निबंध और वहाँ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को कैसे डील करते हैं या फिर उसकी प्रैक्टिस कैसे शुरू करते हैं क्योंकि प्रैक्टिस शुरू करना भी उसकी एक चुनौती है लिखना शुरू करना भी चुनौती है कैसे उसको प्रोसीड करते हैं आजकल तो उन्होंने ये कर ही दिया है कि एक कथन देते हैं और मतलब एक पूरा जो पोर्शन है उसमें पूरा कथन देते हैं दार्शनिक निबंध जो होते हैं कि ये कथन दिया उस पर आपको लिखना होता है तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा लिखना कोशिश करो क्योंकि एकदम शुरू से ही आप ज़्यादा लिख दोगे नहीं हो पाएगा शुरू से थोड़ा थोड़ा लिखते रहो और मैं उसके लिए आपको थोड़ा आइडिया बता देता हूँ कैसे करना होता है जैसे इस बार का निबंध था मैंने लिखा भी था वो कि जो जहाज़ होता है वो अपने बाहर के पानी से नहीं डूबता अपने अंदर पानी भर जाने से डूबता है तो इसका मैंने शुरू किया जो मनु था जो परले वाली घटना आई थी कामायनी में जो दिया गया है तो मैंने वहाँ से दिखाया था कि जो देव सभ्यता का विनाश हुआ था वो राक्षसों की वजह से नहीं हुआ था देवताओं के अंदर जो अवगुण आ गए थे उसकी वजह से हुआ था तो मैंने वहाँ से शुरू किया उसके बाद में उस चीज़ को लिंक किया कि जो अवगुण होते हैं वो किस तरह से व्यक्ति के विनाश के कारण बनते हैं किस तरह से समाज के विकास के कारण विनाश के कारण बनते हैं किस तरह से देश के विनाश के कारण बनते हैं और किस तरह से देश से बढ़ विश्व तक जाते हैं फिर उसमें मैंने एग्जाम्पल्स नक्सलवाद आतंकवाद ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन सारे इनसे लिंक करते हुए तो टॉपिक आपको देख के लगेगा कि यार इस टॉपिक को भी कैसा लिखेंगे लेकिन आप इसको अगर पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे तो एकदम ईजी वे में हो जाएगा जैसे मैंने इसको हिस्ट्री से लिंक कर दिया जोग्राफी से लिंक कर दिया आई से लिंक कर दिया तो आप टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो उसकी फिर प्रैक्टिस करो आराम से लिख दोगे इसी क्वेश्चन में आप देखो कि आप जलवायु परिवर्तन ले आए या आतंकवाद लेके आ गए तो इस चीज़ से आपकी डायमेंशन कितनी कवर हो रही है आप इजीली लिख दोगे कि हाँ ये जो जहाज है वो मतलब विश्व है वो इन जो भी हमारे सामने समस्याएं हैं आतंकवाद है, है जलवायु परिवर्तन है गरीबी भुखमरी इन समस्याओं की वजह से विश्व में आज जो भी समस्याएँ हैं वो है तो इनका समाधान कर देंगे तो हमारा जो रूपी जहाज़ है वो हमेशा तैरता रहेगा और जो कंक्लूजन है वो हमेशा पॉजिटिव वे में होना चाहिए जैसे मैं इस मैंने इसमें लिखा था सर्व भवंतु सुखीना क्योंकि हम सब साथ मिल के कार्य करेंगे तभी जो विश्व का कल्याण होगा तो इस तरह से आप टॉपिक्स को तोड़ तोड़ के और फिर उसका एग्जाम्पल से लिख सकते हैं समझ में आ गया ना कि किस तरह से करना है इसी तरह से करना है एक्स्ट्रा कुछ नहीं है चलिए कुछ ऐसे सवाल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जिसमें मोटिवेशन को लेकर एक सवाल है जर्नी बहुत लंबी है आई की तैयारी की और इस बीच जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने आप को लंबे समय तक मोटिवेट कैसे रखें तो आप कुछ टिप्स अगर बताना चाहें इस तैयारी में क्योंकि मुझे खुद को चार साल लग गया है तो ज़्यादातर पहले अटैम्प्ट में दूसरे अटैम्प्ट में निकालने वाले कम ही लोग होते हैं एक दो साल लग जाते हैं और उस तैयारी के दौरान मोटिवेशन बनाए रखना ज़रूरी होता है मेरा खुद का भी ये था कि बीच बीच में मैंने आर का भी फॉर्म भरा था और जो इंडस्ट्री एक्सपेंशन ऑफिसर नाबार्ड के इस तरह के फॉर्म डाल दिए थे एग्जाम नहीं दिए क्योंकि बिना तैयारी एग्जाम देने का कोई मतलब भी नहीं था तो डिमोटिवेशन आया तभी मैंने फॉर्म भरे हैं तो वो चीज़ सबके साथ होती है तो इस टाइम पे आप दो तीन काम कर सकते हैं पहला तो घर वालों से लगातार बात करते रहें रहे तो घर वाले हमारी इस जर्नी में सबसे बड़े सपोर्ट जो समर्थक हैं सपोर्ट करते हैं वो दूसरा अपना जो फ्रेंड सर्कल है अपने कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आप उनसे कोई भी चीज़ है वो शेयर कर सकते हैं जैसे मेरे चार पांच दोस्त हैं मैं उनसे किसी भी तरह की जो मेरी समस्याएं हैं वो शेयर करता हूं तो वो तुरंत समाधान बता देते हैं तो ऐसे पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल होना ज़रूरी है तीसरा है कि जो चीज़ें हैं छोटी छोड़ छोटी जो सफलताएँ हैं जैसे आपके मार्क्स आए किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए तो उस तरह की छोटी छोड़ छोटी जो सफलताएँ उनको आप सेलिब्रेट कर सकते हैं कोई भी छोटी सफलता आपको आगे के लिए एक रास्ता दिखाएगी तो टेस्ट में आपका जैसे फर्स्ट रैंक आ गई है आपने 120 में से 100 मार्क्स आए हैं तो इन सब चीज़ों से आप सेलिब्रेट करो और आगे के लिए आप उसको अपने आप को मोटिवेट करो कि ये हो सकता है अगर डीमोटिवेट हो रहे हो तो मेरा सलाह यही रहेगी कि यूट्यूब या बाकी जो बाहर से आप मोटिवेशन प्राप्त करते हैं वो एक दिन दो दिन पाँच दिन इतना रहेगा अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए कि आप इस तैयारी को शुरू क्यों किया आपने आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं तो जब वो चीज़ आपको याद आ जाएगी तो आपका मोटिवेशन अपने आप हो जाएगा तो उसके लिए आप घर वाले से बात कर सकते हैं या अपना जो टारगेट आपने सेट किया है उसको कहीं पर लिख के चिपका दो और उसको डेली देखो तो इस तरह से आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं डिमोटिवेशन आएगा मैं खुद भी उस चीज़ को फेस किया हूँ तो इससे मैं मना नहीं करूँगा लेकिन पूरा खेल इसी का है कि आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रख रहे हो कई सारी चीज़ें फिल्म से पहले जो शुरू के पाँच दिन हैं वहाँ पे मेरे कई सारे दोस्त हैं जो यार तैयारी नहीं है नहीं दूंगा एग्जाम वो एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं तो वो पाँच दिन का जो टाइम है पूरी तैयारी के बावजूद एग्ज़ाम छोड़ना तो वो टाइम मैनेजमेंट अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो ख़ुद को मोटिवेट रखो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबसे बड़ी चीज़ है इस एग्ज़ाम में तीनों स्टेज पर प्रिलियम्स में भी आप देखोगे तीस से पैंतीस क्वेश्चन इतने होते हैं जो नॉलेज के बेस पर होते हैं बाकी आपको एलिमिनेशन से करने होते हैं और वो आप तभी करोगे जब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा मेंस में भी आप लगातार कर रहे हो तो आंसर राइटिंग तभी आप डाटा फैक्ट्स मैप ये सब चीज़ तभी यूज करोगे जब कॉन्फिडेंस है और इंटरव्यू तो पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है आप आपके आंसर्स चेक नहीं होते आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है आप कितने कॉन्फिडेंस से आंसर दे रहे हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है एक अच्छा सा सवाल पूछते हैं ताकि इन लोग का भी मन ठीक हो जाए आई बनकर कैसा लग रहा है यार आई बनकर जो भी मतलब अभी तो मैं ज्वाइन भी नहीं किया हूँ लेकिन जितने सारे लोगों से मिला हूँ सीनियर से मिला हूँ जो मेरे रिश्तेदार हैं सब का यही था कि हाँ अब मैं कलेक्टर बन गया हूँ अब मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूँ गांव में मेरे पास कई लोगों को फ़ोन आए कि यार हमारी ये समस्या है इसका समाधान कर दो तो मतलब ऐसी फील होती है कि आपको ये लगता है कि यार हाँ मेरे पास कुछ पावर है कुछ मैं मेरे पास कुछ ड्यूटीज नहीं आई है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ही फील होता है कि यार आपके पास लोग फ़ोन कर रहे हैं आपसे सलाह ले रहे हैं आपकी बात मान रहे हैं इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा प्लस, प्लस पॉइंट यही है कि सोशल एक्सेप्टेंस जो पहले दो आप बिना सिलेक्शन के कुछ बोलोगे तो लोग उसको इतना वैल्यू नहीं देंगे अभी आप बोलोगे तो गाँव में जैसे मैंने बोला तो लाइब्रेरी बन जाएगी जो बाकी चीज़ें हैं लोग तैयारी के लिए आ जाएंगे पहले नहीं आते लेकिन अभी आ जाएंगे तो आई एस बन के जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना है वो भी आइए साथ में अच्छा भी लग रहा है गाँव जब वापस जाते हैं तो अपने नोस्टालजिया के पूरे एरा को जब याद करते हैं आज से पाँच साल पहले के जो थे आप और आज अब जब जाते होंगे तो वो क्या फ़र्क दिखता है आपको और आपको किस तरह की फीलिंग आती है रात में बैठ कर अकेले तो ज़रूर सोचते होंगे कुछ ना कुछ जब आप पाँच साल पीछे का सोचोगे तो जैसे इस बार रिज़ल्ट आया था तो मैं घर पे बात करते टाइम में रोने लग गया था क्योंकि वो जो पूरी जर्नी है पाँच साल की जर्नी वो अचानक से खत्म हुई और इतना खुशी कि जो मैं बचपन से जो चीज़ सोचते आ रहा था कि आई एस बन के मैं ये करूँगा ऐसे विकास करूँगा तो पूरी जर्नी अचानक से याद आती है तो काफ़ी उससे लगाव होता है कि हमारी जो जर्नी है वो इस तरह से स्ट्रगल भरी रही और हमने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए तो ये जर्नी काफ़ी टफ रहती है तो मेरे हिसाब से जो पूरी जर्नी का है उसका आप आनंद लो और आराम से मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करो आराम से हो जाओगे यार आपके गांव के आसपास या इलाके में पहले से कोई प्रशासनिक अधिकारी रहा हो या फिर आप ही पहले मेरे गांव के आसपास पास कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है मैं सबसे पहले विकास मीणा जो 2018 में पास हुए थे उनसे मिला था और वहीं से मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि यार हाँ मैं भी कर सकता हूँ अभी मेरे गाँव से कई सारे लोग हैं जो अभी दृष्टि में भी हैं मेरे पास फोन आते रहते हैं कि हम दृष्टि में हैं ये पढ़ रहे हैं तो अभी काफ़ी सारे लोग मोटिवेट होकर आए हैं तैयारी करने बट अभी तक तो मैं फिलहाल अकेला ही हूँ तो मेरी मेरे ऊपर डबल जिम्मेदारी है कि मैं गांव की जो समस्या है उनका भी दूर करूं और जो लोग हैं उनको भी मोटिवेट करूं। आपने कहा कि बचपन का एक सपना होता है कि आपने सोचा होगा बचपन में कभी सोचा होगा या बाद में सोचा होगा कि आई बनेंगे तो किस तरह से इस जर्नी की तरफ आगे बढ़े आपके पास तो मौका था बै आई टी से पास आउट थे आप बहुत अच्छी नौकरी कर सकते थे तो सिविल सर्विसेज के लिए क्या मोटिवेशन बना सिविल सर्विसेज़ का बचपन में जब मेरे फादर टीचर हैं तो वो आते थे घर पे तो बोलते थे आज कलेक्टर सर आए थे और उन्होंने ये दिशा निर्देश दिए और इलेक्शन के टाइम पे डीएम ने दौरा किया तो हमारे गांव में आते थे डीएम सर इलेक्शन देखने तो तब उनके पास जो जितने भी लोग रहते थे वो बोलते थे कि कलेक्टर साहब हैं तब ऐसा लगता था कि यार ये एक अच्छी पोस्ट होती है और इस पर रहकर आदमी कुछ अच्छा कर सकता है बड़ा कर सकता है फिर मैं आईआईटी में गया तो वहाँ पर मुझे मेरे पास दो ऑप्शन थे या तो मैं प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लूँ या फिर मैं इधर गवर्नमेंट में तरफ आऊँ तो मेरे जो जितने भी सीनियर्स थे वो लोग प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करके फिर दो साल जॉब करके छोड़ के आ रहे थे तो मैंने सोचा कि अगर दो साल बाद मुझे वापस आना है तो मैं क्यों ना इस फील्ड में सीधा जाऊँ फिर उसी टाइम पर संयोगवश जो हमारे उन्नीस सौ अस्सी बेस के आई एस ऑफिसर हैं शायद अनिल स्वरूप वो उनका दौरा हुआ था हमारे आई आई गुवाहाटी में लास्ट मार्च अप, अप्रैल दो में तो मेरे सर से वन टू वन बात करने का मौका मिला तो मैंने सर को अपनी समस्या बताई तो सर ने बोला कि बिना सोचे लग जाओ तो बस वो मेरे लिए था कि फिर तत्कालिक जो किसी चीज़ का कारण होता है तो तत्कालिक कारण वो था तैयारी का और बचपन का तो था ही कि बचपन से करना है तो इस तरह से मेरा रुझान इस तरफ सिविल सेवा की तरफ हो गया ठीक है अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण सी एस की तैयारी के साथ क्या कोई प्लान बी होना चाहिए ज़रूरी है अगर होना चाहिए तो सी की तैयारी करने वाले बच्चे के पास क्या प्लान भी हो सकता है सी की तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है और अब आप सब लोग इतने लोग बैठे हैं तो आपको पता है कि 712 वैकेंसी है तो सब लोग तो सफल नहीं होंगे तो इसके लिए मेरा प्लान भी ये था कि मैं तीन अटैम्प्ट दूंगा अगर मेरा होता है तो ठीक है वरना मैं मेरा जो पी में जाने का जो सपना है उसको पूरा करूँगा तो मेरे हिसाब से शुरू में पहले दूसरे तीसरे तीन अटैम्प्ट तक तो आपको भी प्लान बी के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बाद में क्योंकि शुरू के तीन अटैम्प्ट में अगर पूरा दम लगा दोगे अपना तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा या यू में नहीं तो या स्टेट पी में कहीं भी हो जाएगा लेकिन आप अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाओगे लेकिन शुरू से ही अगर आप प्लान बी रखोगे तो आपका ध्यान डाइवर्ट रहेगा तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे तो दो तीन अटैम्प्ट तक पूरा जितना भी आपका है हौसला पूरा लगा दीजिए और उसके बाद अगर आप प्लान भी सोचोगे तो जैसे बी वाले हैं तो वो अपने प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं वो अपने गवर्नमेंट के अदर जॉब्स हैं उनमें जा सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन काफ़ी रहेंगे और यू की तैयारी में आपका नॉलेज बेस इतना हो जाएगा कि आप कुछ अच्छा कर लोगे जीवन में ये मैं दावे से कह सकता हूँ तो प्लान भी रखो लेकिन एक दो अटैम्प्ट के बाद जब आप एक दो अटैम्प्ट पूरी तैयारी से दे रहे हो और आपका नहीं हो रहा है तो उसके बाद सो सकते हैं लेकिन एक दो अटैम्प्ट आप पूरा यू या सिविल सर्विस फोकस करो अब लगभग इसमें सवाल हो चुके हैं जो बड़े सेट्स बचे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सवाल है एन बुक्स को लेकर एन बुक्स को लेकर पहले भी जो मैं हटाते जा रहा था उसमें बहुत सारे सवाल हैं कि एन सी आर टी की बुक्स पढ़ने चाहिए या छोड़ देने चाहिए और अगर पढ़ें तो कैसे उसको अपने शॉर्ट नोट्स से बनाएं कितना ज़रूरी है आपका अनुभव क्या रहा है इस मामले में एन की बुक्स को लेके कंफ्यूजन रहता है तो मैं क्लियर कर दूं कि एन बुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना ही है अगर आपको कोचिंग के मटेरियल में वो चीज़ें कवर हो रही हैं तो कोई इशू नहीं है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अदरवाइज़ आपको एन पढ़नी ही पड़ेगी और एन कुछ लोग बोलते हैं सिक्स से ट्वेल्थ तक की मैं सिक्स से ट्वेल्थ की नहीं बोलूँगा मैं नाइन्थ से ट्वेल्थ तक की बोलूँगा क्योंकि जो भी चीज़ आप सिक्स से एटथ तक पढ़ोगे वो नाइन्थ से ट्वेल्थ में रिपीट हो जाएंगी और इसके लिए हिस्ट्री जोग्राफ़ी पॉलिटी और इकोनॉमी चार सब्जेक्ट की तो कम से कम पढ़नी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन जैसे इस बार का पेपर देखोगे कई सारे क्वेश्चन हैं तो नाइन्थ तो और टेंथ के एन तो मैं इन पाँच सब्जेक्ट के लिए आपको सजेस्ट करूँगा इसके अलावा अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप पढ़ सकते हैं बाकी ये तो आपको करना ही है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बार भी आप देखोगे तो भारतीय संविधान की जो एन सी आर टी है इलेवंथ क्लास की उसमें से पांच छह क्वेश्चन एकदम सीधे सीधे उठ के आए हैं तो अगर इस तरह के दस क्वेश्चन दस नंबर अगर आप बढ़ रहे हैं तो क्या क्या इश्यू है एक टॉप तो, एक सब्जेक्ट से दस बढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई बुरी डील नहीं है करना चाहिए एक और बीच में ये लोग बहुत सीरियस हो जा रहे हैं तो वैसा कोई सवाल फिर लेना पड़ेगा हाउ टू एम्प्रेस बोर्ड में कई सारी चीज़ें हैं यार जैसे दृष्टि में मेरा इंटरव्यू दिखोगे तो दिव्य कीर्ति सर ने बोला था कि आपकी स्माइल और आपकी जो फिटनेस है आप एकदम आईपीएस की तरह बैठते हो तो मेरे हिसाब से सबके लिए अलग अलग होता है कैसे भी इंप्रेस कर सकते हो कुछ लोग इतने हसमुख होते हैं कि बोर्ड मेंबर एकदम उनसे कुछ रहते हैं कुछ लोगों के आंसर्स ऐसे होते हैं कि उसमें कई कई जगह ऐसे जोक की तरह हंसने के जो भाव रहते हैं वो आते रहते हैं कुछ लोग अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ कर देते हैं तो सबका अलग अलग होता है आप आप ट्राई कर सकते हैं आप किस तरह से इंप्रेस कर सकते हैं ठीक है इंटरव्यू वाले सेगमेंट से भी कुछ सवाल लेते हैं जैसे कुछ सवाल ये हैं कि आपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए लोग बताते हैं कि शुरू से ही थोड़ा थोड़ा आपको काम करना चाहिए तो किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल इंटरव्यू जब आप फेस करें तो वहाँ के लायक हो जैसे बैलेंस अप्रोच बातचीत करने में इस तरह की क्वालिटीज़ क्या क्या है मैं तो इस चीज़ का आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि इंटरव्यू कितना बड़ा रोल प्ले करता है 140 मार्क्स थे मेरे पहले इंटरव्यू में और अभी 173 है यही मार्क्स अगर मेरे फर्स्ट टाइम होते तो मुझे दो साल एक्स्ट्रा नहीं लगते तो इंटरव्यू के लिए आपको मैं जो सबसे पहली चीज़ बताऊँगा वो ग्रुप डिस्कशन है ग्रुप डिस्कशन से आपके जो व्यू पॉइंट है उसमें भी सुधार आएगा किसी चीज़ को लेकर आप बाई हो तो आपके जो दोस्त हैं वो आपको बताएंगे कि भाई इस इस चीज़ को ऐसे वे में करना चाहिए दूसरी चीज़ आपके जो आंसर है वो टू द पॉइंट आएंगे आप आंसर को वहाँ पे घुमा फिरा के दोगे तो इंटरव्यू जो मेंबर होते हैं आपको भी पता है कि यार यूपीएससी सिविल सर्विस है उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस है फॉरेस्ट का है बाकी अदर एग्जाम्स है तो उनका पूरे साल इंटरव्यू लेने का काम होता है तो वो आपका आंसर सुन नहीं रहे हैं आप किस वे में रिएक्ट कर रहे हैं आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं आपका व्यू पॉइंट क्या है ये सब चीज़ें देखते हैं तो आपकी नॉलेज से ज़्यादा मैटर आप किस वे में आंसर दे रहे हैं किस तरह से उनको अपने आप को प्रजेंट कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपके ग्रुप डिस्कशन से आएँगी इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जैसे आप मॉक इंटरव्यू दोगे तो मॉक इंटरव्यू में आपके जो भी फीडबैक आए तो उसको लगातार वर्क करो जैसे मेरा था कि मैं सभी बोर्ड मेंबर से नजरें नहीं मिला पाता था तो एक ये भी आपका फीडबैक में मिलेगा तो आपको इस पर वर्क करना चाहिए तो आप जैसे ग्रुप डिस्कशन करोगे तो सभी दोस्तों से इस तरह से दिखते रहो तो वो ज़्यादा फायदेमंद है और एक स्माइल इस्माइल का बहुत ज़रूरी है मैं खुद भी नहीं कर पाता तो इस्माइल भी आपके चेहरे पे होनी चाहिए तो ये चार पांच चीज़ें जो इंटरव्यू में काम आती है ठीक है तो स्माइलिंग फेस बना के रखिए यही तो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा जरूरी है इस्माइल इंटरव्यू जो मेम्बर्स हैं उनको एक एक तरह से उनका पूरा जो तीस मिनट है वो आप उससे डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना स्माइल कर रहे हैं क्योंकि आप अगर एक तरह एक तरह से वहाँ पे शांत बैठ गए तो वो आपसे क्वेश्चन सी उस तरह के पूछेंगे कि आप फिर आंसर नहीं दे पाओगे स्माइल है तो वो उनका चेहरा प्रसन्न है तो अच्छे क्वेश्चन मूड पूरा मूड के ऊपर डिपेंड करेगा तो अच्छे मूड में अच्छे क्वेश्चन आएंगे बुरे मूड में बुरे क्वेश्चन आएंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हैं वहाँ पे एक सवाल ये है कि इंटरव्यू में कितना डर लगा लेकिन ये आप अभी वाले अटैम्प्ट के हिसाब से मत बताइएगा पहले वाले अटैम्प्ट के हिसाब से बताइएगा इंटरव्यू में कितना डर लगा अब मॉक इंटरव्यू देते हो तो नर्वसनेस तो वहाँ से ख़त्म हो जाती है लेकिन थोड़ी नर्वसनेस वहाँ मेन इंटरव्यू में होती है क्योंकि पूरे लाइफ का सवाल होता है कि इसके जस्ट बाद आपकी लाइफ चेंज होने हो जानी रहती है तो डर रहता है बट जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी कोर्डियल होते हैं आपसे एकदम Uh, मेरे हिसाब से आप जो मॉक इंटरव्यू देखते हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर रहता है वहाँ पे आपको उस तरह की चीज़ें पूछते हैं जैसे मैं आईआईटी गुवाहाटी का था तो जाते ही सर ने मेरे को पूछा कि अच्छा आप नॉर्थ ईस्ट में रह के आए हैं तो आपने वहाँ क्या क्या देखा कहाँ कहाँ घूमे तो इस तरह के इंटरेक्टिव दो, दोनों पक्ष रहे हैं यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन आंसर रहता है क्योंकि ये वाला फेज भी ज़रूरी है न ताकि थोड़ा सा यहाँ पर नर्वसनेस रहेगी तो वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो मेरे हिसाब से वहाँ पे आपका एकदम कोर्डियल रहेगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और डर थोड़ा सा रहेगा शुरू में एंट्री के टाइम पे पाँच मिनट उसके बाद नहीं रहेगा इजीली आराम से दोगे तो शुरू में डर लगेगा बाद में नहीं लगेगा ठीक है इसी सवाल में आगे है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए आपको याद हों अगर अपने लास्ट इंटरव्यू में किस तरह के सवाल बोर्ड फाइनल जो आपने इंटरव्यू दिया तो बोर्ड मेम्बर्स के द्वारा किस तरह के सवाल पूछे गए अगर आप शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं इंटरव्यू को लेकर यार थोड़ी सी भ्रांति रहती है कि नॉलेज का टेस्ट होता है मेरे तीन इंटरव्यू है और तीनों में मेरे से नॉलेज की जगह मेरे जो डेफ बढ़ता हूँ मैं डेफ में जो मेरी हॉबी रहती है हॉबी पे क्वेश्चन थे तो मैं मेरी हॉबी हॉकी हो खेलना और देखना और हिंदी नावल रीडिंग रहता है इस बार सर ने क्वेश्चन पूछा कि रिसेंटली कौन सा नॉवल पढ़ा है फिर राग दरबारी के बारे में पूछने लगे तो नॉवल के क्वेश्चन थे हॉकी क्योंकि मेरा छः अगस्त को था और पाँच अगस्त को हम कहाँ पदक जीते थे तो हॉकी पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि हम डिक्लाइन क्यों कर गए जब हम आठ गोल्ड मेडल लगातार जीते थे तो इस तरह के क्वेश्चन थे हॉकी पे थे एक मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो अभी जो चल रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और पेट्रोल डीजल ये व्हीकल्स का तो वो क्वेश्चन थे वो मैम का मेरा नॉर्थ ईस्ट सुजाता मेहता बोर्ड मैम का बोर्ड था तो उन्होंने शुरू मेरे नॉर्थ ईस्ट से किया था कि नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग टाइम जोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए आपकी क्या राय है तो इस तरह के जो नॉर्मल जो आप डेप में भरोगे वही क्वेश्चन होते हैं कुछ कुछ आपसे करंट अफेयर के पूछ सकते हैं जैसे उसी दिन डेक्ट्रोस्पेक्टिव टैक्स आया था हमने उठाया था उसको तो उसका क्वेश्चन था कि ये क्या होता है इसका क्या नुकसान है तो एकदम करंट अफेयर और आपका डैफ इन चीज़ों पे बेस रहेगा पूरा इंटरव्यू ठीक कुछ लोगों ने सवाल इस तरह के भी किए हैं कि कितने लोगों ने इस बार पी टी दिए दिया था इस बार आप में से किसी ने पी नहीं दिया था एक तो ठीक था हो रहा है चांस है गुड जो लोग अपने विचारों को सही से अभिव्यक्त नहीं कर पाते अगर इन्होंने पूछा है कि सर कोई प्रश्न पूछ देते हैं तो आते हुए भी उसे बताने में असमर्थ रहता हूँ मतलब डर लगता है हिचक होती है तो इस तरह की चीज़ों से कैसे बाहर आए यार डर तब लगता है जब हम क्वेश्चन को सुने पहली बार नया क्वेश्चन सुना और हमको उसका फ्रेमिंग भी तभी करना होता है आंसर भी तभी देना होता है तो ग्रुप डिस्कशन के लिए मैं तब इसीलिए बोल रहा था कि आप दोस्तों में डिस्कस करोगे तो दोस्तों ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको ये प्रैक्टिस पहले ही हो जाएगी कि आ, कैसे आंसर को फ्रेम करना है कैसे टू द पॉइंट आंसर देना है कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों ने जैसे सोसाइटी का क्वेश्चन पूछा कि ट्रांसजेंडर्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तो आप पहली बार सुन रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है लेकिन आप उसको डिस्कस कर चुके हो पहले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो डिस्कशन ही इस चीज़ का सोल्यूशन है उससे क्या होगा कि आपका फ्रेमिंग पहले से तैयार है आपका टू द पॉइंट आपका आंसर तैयार है तो आप तुरंत दे दोगे तो मेरे हिसाब से डर का मेन कारण यही होता है कि उसको फ्रेम कैसे करना है कैसे प्रेजेंट करना है तो वो चीज़ अगर आप पहले कर लोगे तो कोई इशू नहीं होगा ठीक है एक सवाल ये कि दृष्टि में आपने मॉक इंटरव्यू दिया उसका क्या कुछ फ़ायदा हुआ वहाँ पर दृष्टि में मेरे से जैसे मैं आई था तो इस बार काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने पुलिस सर्विस के पूछे थे और वहाँ पे एक पूरा एक बोर्ड मेंबर ने मेरे से लगभग दस मिनट तक केवल पुलिस सर्विस के क्वेश्चन पूछे थे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट थे तो मॉक इंटरव्यू का मेरे हिसाब से फ़ायदा यही रहता है कि जितने भी डेफ के क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपके रिपीट ही होने के चांसेस होते हैं तो मेरे को तो काफ़ी फ़ायदा हुआ था और मेरे हिसाब से मॉक इंटरव्यू का यही फ़ायदा है कि हमारे डेफ के जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते रहते हैं तो तीन चार जगह आप दे लोगे तो आपका पूरा डेफ कंप्लीट हो जाएगा ठीक अब थोड़ा सा रुख करें पीटी की तरफ क्योंकि हमने शुरू में पीटी वाले पोर्शन को छोड़ दिया था तो इसमें पहला सवाल ये है कि प्रिलिम्स और मेंस की परीक्षा के लिए अलग अलग तैयारी करनी चाहिए साथ में करनी चाहिए जब शुरुआत करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2024-2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस क्या अलग अलग तैयारी करने की ज़रूरत है या फिर साथ ही में तैयारी होती है प्री और मैंस की तैयारी केवल एक सब्जेक्ट जो एथिक्स है उसको छोड़ दो उसके अलावा बाकी साथ में तैयारी होती है प्री और मेंस का अलग तैयारी का कोई कन्सेप्ट नहीं होता साथ में स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या दृष्टि के नोट्स पढ़ रहे हो हिस्ट्री इस में इसके प्री में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे मेंस में भी यहीं से आएंगे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो जो ही क्वेश्चन प्री में आना है वही क्वेश्चन मैंस में आएगा तो अलग तैयारी का कोई मतलब नहीं है साथ में तैयारी करो एक एथिक्स है उसके लिए आप अभी तैयारी कर लो बाद में प्री और मैंस के बीच में जब टाइम मिले तो उसको अच्छे से तैयार कर लो तो इसके अलावा बाकी टॉपिक्स तो सारे रिपीट ही होते हैं आपके तो अलग तैयारी कोई कंसेप्ट नहीं है पीटी स्पेसिफिक अगर बात करें तो पीटी में ख़ास तौर पर हिंदी माध्यम की समस्या है साइंस टेक एनवायरमेंट इकोलॉजी और आर्ट एंड कल्चर इन सब तरह के जो पोर्शन हैं उन पर कम ध्यान हो पाता है सबसे पहले तो साइंस टेक के बारे में बात करते हैं साइंस टेक की तैयारी के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया और आप क्या सलाह देंगे इन लोगों को साइंस और टेक के लगभग दस बारह क्वेश्चन हर बार आप पेपर्स देखोगे दस बारह क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें दोनों पार्ट जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चन है और टेक्नोलॉजी वाले पार्ट है तो टेक्नोलॉजी लगभग करंट अफेयर का रहेगा एक दो क्वेश्चन को छोड़ के तो टेक्नोलॉजी आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं और जनरल साइंस के लिए आप कोचिंग के नोट्स पढ़ लो या एन जो नाइन्थ और टेंथ की मैंने बताई थी तो यहाँ से आपका हो जाएगा और दस बारह में से आप ये चीज़ कर लोगे तो आठ नौ क्वेश्चन तो आप इजीली कर दोगे तो आराम से हो जाएगा फिर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी एन्वायरमेंट के अगर मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ एनवायरमेंट का आप अगर देखोगे पेपर मेरी तेरी मतलब सफलता है उसमें एनवायरनमेंट का काफ़ी अहम योगदान है और उसके लिए मैंने पेपर्स का एनालाइज़ किया था तो मैंने देखा था कि लगभग 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस का हमारे साथ ही प्रीलिम्स होता है तो उन लोगों के लिए भी उनको क्वेश्चन देने पड़ेंगे तो लगभग बीस बाईस क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं तो मैंने दृष्टि की जो क्विक बुक है उसको अच्छे से कर लिया साथ में करंट अफेयर तो एनवायरमेंट यहाँ से हो जाती है और इस बार भी आप पेपर देखोगे दृष्टि के बुक में से मैं आपको पेज सही बता सकता हूँ कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आए तो उस बुक को मैंने कम से कम दस बारह बार पढ़ा है तो मेरे हिसाब से एनवायरमेंट एकोलॉजी को आप भी अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि बीस बाईस क्वेश्चन मतलब होता है चालीस मार्क्स ठीक है पेपर में एक आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन बता दीजिए आर्ट एंड कल्चर के लिए यार मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया दृष्टि के जो नोट्स है वही पढ़े थे क्योंकि मैंने पेपर देखा कि जो क्वेश्चन मेरे से हो रहा है वो दृष्टि के नोट से हो जाता है और जो नहीं हो रहा है वो मेरे दोस्त जो हिस्ट्री ऑप्शन वाले उनसे भी नहीं हो रहा था तो एक्स्ट्रा मेहनत करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं लग रहा था तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया मेरा ये पोर्सन थोड़ा सा वीक है इसके लिए आप अगर चाहो तो फाइन आर्ट्स की जो किताब है एन और सब लोग नितिन सिंघानिया बोलते हैं मैंने कभी नहीं पढ़ी है क्योंकि मेरे प्रीम्स बाकी सब्जेक्ट से हो रहे थे तो मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया तो आप दृष्टि के नोट्स तो ये तो आपका कंपलसरी है ही क्योंकि अगर दस क्वेश्चन आ रहे हैं तो पाँच वहाँ से आपके हो जाएंगे बाकी पाँच के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है तो फाइन आर्ट्स और नितिन सिंगाने पढ़ सकते हैं आप ठीक इस बार आपने पेपर देखा था बहुत जी मैंने इस बार पेपर देखा था और पेपर यार पेपर में क्या बताऊँ मैं जो आर्ट्स एंड कल्चर वाले क्वेश्चन है वो दृष्टि के नोट से सीधे सीधे उठ के आए हैं मैं आपको बता सकता हूँ वो चीज़ें और इसके अलावा एनवायरमेंट भी दृष्टि के नोट्स से थी तो पेपर दिखने में थोड़ा टफ था लेकिन इतना था कि सौ मार्क्स आप इजिली ला सकते हैं सी सेट थोड़ा टफ था सी सेट को लेके मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है अभी से प्रैक्टिस कर लो एक घंटे हाँ हो जाएगा सी सेट आप लोगों ने पेपर देखा था इस बार कैसा लगा नहीं नहीं देख अच्छा लगा ये नहीं रहा। पेपर अंदर कैसा लगा कंटेंट रीच में लग रहा था समझ में आ रहा था नहीं आ रहा था आ गया था तो अगली बार फिर आप में से कोई यहाँ होगा ठीक है पीटी में अगर और कोई बातचीत हम करना चाहें क्या क्या और जानकारियाँ दी जा सकती हैं इन लोगों को क्या टिप्स दिए जा सकते हैं, हैं? पीटी के लिए यार मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ जैसे एक तो मैंने एनवायरमेंट और इकोलॉजी का बता दिया बीस बाईस क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं इजिली दूसरी चीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस के बाद के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आप पेपर देखोगे तो कांग्रेस की स्थापना अठारह में उसके बाद के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे अगर दस में से आप देखोगे तो सात आठ क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको और तीसरा पॉलिटी क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को वो लोग भी उम्मीद करते हैं कि हमारे भारतीय संविधान है उसकी समझ होनी चाहिए तो आप देख लो पंद्रह से बीस क्वेश्चन पॉलिटी के हर बार रहते हैं तो इन तीनों को अगर मिलाओगे तो चालीस पैंतालीस परसेंट वेटेज हो रहा है तो यहाँ से आप लगभग नब्बे पचानवे मार्क्स ला सकते हो बाकी चीज़ें आप करंट अफेयर से तैयार कर लो इकोनॉमी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जोग्राफी जोग्राफी में जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो नहीं पूछ रहे हैं मैप पूछ रहे हैं तो मैप आप डेली आधे घंटे मैप को दो और जैसे मैं मैं बनाया तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ तो जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं डेली आधे घंटे उसको देखता हूँ तो मैप में भी लगभग सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी तो आप इजीली कर लोगे क्वालिफाई इतना टफ़ नहीं है क्योंकि दिखने में आपको लगेगा कि यार कैसा पेपर है क्योंकि क्वेश्चन तीस पैंतीस क्वेश्चन आपके नॉलेज के दम पे हो रहे हैं बाकी आपको एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन तब भी होगा जब आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ोगे और कई सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस करोगे तो एक प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना लगभग जो दृष्टि की टेस्ट सीरीज है या कोई भी और टेस्ट सीरीज जो भी आप ज्वाइन करना चाहो वहाँ से प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना क्योंकि एलिमिनेशन का यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे तभी वहाँ परफॉर्म कर पाओगे डायरेक्टली नहीं हो पाएगा एक ये भी सवाल है कि दृष्टि या फिर आपने जैसे बताया टेस्ट सीरीज़ अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि तैयारी इतनी ज़्यादा करनी होती है कि अंत में टेस्ट सीरीज़ देने का मौका नहीं मिल पाता है तो टेस्ट सीरीज पर कितना बल दें पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से क्योंकि आजकल जो पेपर का पैटर्न है वो आप देखोगे नॉलेज के बेस पे आप तीस पैंतीस क्वेश्चन ही कर पा रहे हो तो फिर ज़्यादा फायदा तो प्रैक्टिस का ही है और प्रैक्टिस में आप एलिमिनेशन की यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे इस बार के क्वेश्चन एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा अपराध आहारी है अगर देखा हो तो उसमें एक केवल समुद्री जो घोड़ा था उसको एलिमिनेट करने में उसका आंसर आ रहा था तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप केवल क्वेश्चन देखने में आपको टफ लग रहा है एक ऑप्शन निकाला आपने सीधा आंसर आ जाएगा तो वो प्रैक्टिस यहाँ करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं वहाँ पर अप्लाई करूँ तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जितने तीस चालीस जितने लगा सकते हो टेस्ट लगा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट सीरीज ठीक अब और कोई बात जो रह गई हो क्योंकि मेरी तरफ से तो सारी बातें आ गई हैं करीब करीब तो अगर आपकी तरफ से कोई बात ऐसी जो छूट रही हो जो आप बताना चाहें इनको सलाह देना चाहें मैं हिंदी साहित्य ऑप्शनल किस किस का है यार तो हिंदी साहित्य वालों को मैं सलाह दे देता हूँ यार हिंदी साहित्य में जो विकास सर है उनके लिए यार मैं ऑप्शनल वालों को दे रहा हूँ अभी बाकी के लिए मैं आ रहा हूँ तो हिंदी साहित्य वाले हैं उनको मैं सलाह देता हूँ कि जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना आप वो कर लेना क्योंकि आपका क्वेश्चन आएगा उसका जो एकदम जो कोटेशन है आप जो दोहा लिखोगे वो टू द पॉइंट होगा उसी को आंसर से रिलेटेड होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे शुरू में मेरे से गलती हुई थी कि तीन महीने पढ़ा था तो मैं दो ही लिख रहा था लेकिन जो रिलेवेंट थे वो नहीं लिख पा रहा था तो मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे क्योंकि उस टाइम पे अगर आप हाईएस्ट देखोगे तो तीन सौ तिलिस थे प्रदीप सर के और तो मेरे दो सौ अट्ठानवे तो पैंतालीस नंबर गैप था तो वो गैप धीरे धीरे मैंने फिल किया इस बार तीन मार्क्स का गैप है तो मेरे हिसाब से टू द पॉइंट जो मैंने कोटेशन लिखे हैं दो ही है लिखे हैं उससे हुआ है दूसरी चीज़ ये है कि हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं हिंदी साहित्य में जैसे किसान का क्वेश्चन आएगा तो आप गोदान पे लिख दोगे कि गोदान में किसान के बारे में समस्या क्या है लेकिन साथ में अगर आप उसमें दिखाओगे कि सेम चीज़ भारत भारती में मैथिली शरण गुप्ते ने भी लिखी है और उसी चीज़ को मेला आँचल में भी लिखा है फणीश्वर रेणु ने तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन है तो उससे काफ़ी जो चेक करने वाला है उसको लगेगा कि डीप अध्ययन किया है इस बंदे ने उसको मार्क्स देने चाहिए और जैसे इस बार भ्रष्टाचार का क्वेश्चन आया था कि जो भोला राम का जीव है उसमें भ्रष्टाचार की बात की है तो आप भोला का जीव पे लिख दोगे कि हाँ इसमें इस भ्रष्टाचार की बात है काफ़ी सारी लेकिन साथ में आप उसी टाइम पे जो प्रेमचंद है उन्होंने नमक का दारोगाह में भ्रष्टाचार की बात की है ईदगाह में बात की है तो इन सब चीज़ों को आप वहाँ पर डालोगे तो चेक करने वाले को लगेगा कि हाँ इसने काफ़ी गहन अध्ययन किया है और इसको मार्क्स देने चाहिए तो इस तरह के कंपेरेटिव अध्ययन और जो तो टू द पॉइंट आप कोटेशन लिखोगे उसका आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और निबंध के लिए मैंने आपको बताया दिया है कि जितनी डायमेंशन लेके आओगे उतने अच्छे मार्क्स मिल लेंगे डायमेंशन के लिए आप ये कर सकते हो कि अपना जो सिलेबस है जी एस वन में है हिस्ट्री है आर्ट एंड कल्चर है सोसाइटी है सारी डायमेंशन पे सोच सकते हो जो डायमेंशन फिट बैठ रही है उसको वहाँ पे आप लिख दो तो जो रफ वर्क करते हैं निबंध लिखने से पहले तो उसमें आप सारी डायमेंशन लिख लो उसके बाद में आप कौन कौन सी डायमेंशन वहाँ पर फिट हो रही है उससे आप क्या होगा जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस बार का क्वेश्चन था तो उसमें आई आर भी लिखा है और गरीबी भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें लिखी थी ना तो वो डायमेंशन से ही की सोसाइटी की डायमेंशन लिख दी मैंने आई आर की डायमेंशन लिख दी तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बताया दिया है तीन सब्जेक्ट जो मैं मेरी रणनीति रही है उसमें तीन सब्जेक्ट को मैं ज़्यादा वेटेज देता हूँ पॉलिटी मॉडर्न हिस्ट्री और एनवायरमेंट इकोलॉजी यहाँ से मेरा चालीस पैंतालीस परसेंट कवर होता है बाक़ी चीज़ें मैं करंट से या अन्य चीज़ों से कर लेता हूँ तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एरिया पहचान सके आप भी कर सकते हैं मेरा ये रणनीति है लेकिन इसको अगर आप फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो और आपकी खुद की रणनीति आप बनाना चाहो तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर लो और जो कमज़ोर है उस पर थोड़ा इतना वर्क कर लो कि अगर आ जाए तो मैं कर दूँ बस और मेंस के लिए जो सलाह मेरी रहेगी डे वन से आंसर लिखो ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट आंसर लिखूँगा तभी मैं लिख के सबमिट करूँगा डे वन से लिखोगे दस में से आपके तीन मार्क्स आएंगे फिर साढ़े होंगे धीरे धीरे आप सात तक पहुँच जाओगे तो ये आंसर राइटिंग है वो एक दो ढाई महीने की प्रक्रिया है एक दिन में आप नहीं लिख पाओगे और कई लोग ये सोचते हैं कि मैं सीधा मेंस में लिखूंगा तो वो तो दिन कभी आएगा ही नहीं जब तक आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं करोगे परफेक्ट आंसर यहीं से शुरू होगा सीधा मेंस में नहीं लिखा जाएगा तो मेरी ये सलाह है आप इनको फॉलो कर सकते हैं कई तो लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले दिन आंसर लिखते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता फिर लगता है कि मतलब कुछ दिनों में और अच्छा लिखेंगे फिर छोड़ देते हैं फिर एक दो महीना बाद फिर शुरू करते हैं उनको लगता है कि फर्स्ट में लिखूँ तो मतलब नई इबारत लिखी जाए और वो हो नहीं पाती वो दिन कभी नहीं आया कि आप परफेक्ट आंसर लिख दो अभी भी तो आपको यू में कितने मार्क्स आते हैं सौ ढाई में से सौ मार्क्स आते हैं जी में तो परफेक्ट आंसर तो नहीं है तभी तो सौ मार्क्स आ रहे वरना ढाई आएंगे ना तो वो प्रैक्टिस आपको डे वन से शुरू कर देनी है कि क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए और बेसिक चीज़ें जो आंसर की रिक्वायरमेंट होती है वो आप अगर फॉलो कर रहे हो तो कोई इश्यू नहीं है दस में से पाँच मार्क्स आ रहे हैं नो प्रॉब्लम और वो लेकिन वो प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी पड़ेगी डे वन से लिखना पड़ेगा ये नहीं कि मैं एकदम पूरी तैयारी कर लूँ या प्रीलिम्स निकल जाए तब लिखना शुरू करूँगा वो गलती मत करना वरना जो तीन महीने का टाइम है उसमें आप नहीं कर पाओगे इतनी चीज़ें कवर तो आंसर राइटिंग जरूरी कर करना और जो आप टेस्ट मिस कर देते हो या टेस्ट देने नहीं आते हो वो गलती मत करना टेस्ट सारे लिखो क्योंकि कोचिंग के टाइम पे आपको आंसर राइटिंग का टाइम नहीं मिलता है तो यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कर रही है उस चीज़ को कि आप यहाँ पे आके आंसर लिखो और उससे आपको फीडबैक मिलेगा कि क्या कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं तो उन गलती को सुधारो और आंसर अपना इम्प्रूव होता रहेगा तो आप लोग को जल्दी होगी ये मैं समझ रहा हूँ लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि जैसे ही ये सेमिनार खत्म हो पहले हम लोग को जाने की इजाज़त दीजिएगा क्योंकि हम लोग लास्ट में आए थे <laughs> ठीक है आप लोग पहले आए थे तो आप लोग को लास्ट में जाना चाहिए ठीक है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेमिनार का लाभ आपको जरूर मिला होगा और आगे भी हम किसी नए टॉपर के साथ मुलाकात आपकी कराएंगे बातचीत कराएंगे ठीक है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यादा धन्यवाद <laughs> एक, बात एक सर करना एक चीज़ और मैं बता दूं कि हम मैं सुनील गिरधारी चार पांच लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने एक टेलीग्राम चैनल चालू किया है जो हमारे आंसर राइटिंग है या डायग्राम है या हम लोग बीच बीच में वहाँ पे डालते रहेंगे तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक या तो मैं सर को शेयर कर दूंगा या आपको बता देंगे तो वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा उसका नाम है हिंदी मीडियम और ब्रैकेट में सी सी इस नाम से है और उसका जो लिंक है वो ज्वाइन फॉर हेल्प वन वन जे ओ आई एन एफ ओ आर एच ई एल पी डबल पी है यहाँ पे वन वन जे रिपीट कर जे ओ आई एन एफ ओ आर एच ई एल डबल पी वन वन ठीक है तो आप लोग को कैसा लगा ये पूरा कार्यक्रम जयपुर वाली बात नहीं आ रही है अब तो और नहीं आई एक साथ बोलिए आप सबका बहुत धन्यवाद और देवेंद्र आपका बहुत धन्यवाद थैंक यू सर ठीक है अगले एपिसोड में फिर से किसी नए टॉपर के साथ मुलाकात होगी